चौथा वेद नहीं है, और अगर है तो बहुत बाद में जोड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रयी कहने का एक खास प्रयोजन है। तीन प्रकार के मंत्र होते हैं, कौन कौन से? ऋक, यजु और साम। ये वेदों के नाम भी हैं और ये मंत्रों के प्रकार भी हैं। वेदों के नाम भी इसीलिए पड़े हैं कि ऋग्वेद में मूलतः ऋक ऋचाएं हैं, ऋक ऋचौ ऋचः। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ऋचा क्या होती है? लड़कियों के नाम भी रख देते हैं आजकल ऋचा, लेकिन इसका मतलब क्या है? इन सब की परिभाषाएं जैमिनी मुनि ने अपने मीमांसा सूत्र में दी हैं, और यास्क ने निरुक्त में तो हर शब्द का खोल खोल के अर्थ बताया है। यास्क कहते हैं ऋक अर्चनी। ऋक वो होती है जिससे अर्चना की जाए, स्तुति की जाए। ऋक भी ही अर्चंती, ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं उनसे स्तुतियां की जाती हैं। किसकी? अभी बताया, देवताओं की। तो ऋग्वेद में मोस्टली प्रेयर्स हैं, इन्वोकेशंस हैं। यजु का अर्थ होता है, यजु का अर्थ होता है कर्म। यजु यजते, यज धातु का अर्थ होता है यजन करना, पूजा करना। तो यजुर्वेद में मुख्यतः कर्म कांड का वर्णन है, और उसमें जो मंत्र पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? यजु। साम क्या है? जैमिनी कहते हैं गीतिषु सामाख्या, जो गीत होते हैं उनको साम कहते हैं। तो ये ऋग्वेद की ऋचाएं यदि गाकर बोली जाएंगी तो उनका नाम क्या हो जाएगा? साम। और यही कारण है कि अधिकांश मंत्र साम वेद में ऋग्वेद से लिए गए। ऋग्वेद में 20 टोटल, इन चारों वेदों में मिला के 20,000 मंत्र हैं। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, और उनमें से शायद 95 और 99 आर न्यू, ऑल ऑफ देम आर रिपीटेड फ्रॉम द ऋग्वेद। मगर अंतर क्या है? ऋग्वेद में तो वो छंदोबद्ध हैं, पढ़े जाते हैं। सामवेद में उनके गाने के पूरे नियम हैं, पूरे स्वर हैं। तो गीतिषु सामाख्या। और अथर्ववेद में इसका मिश्रण होता है? अथर्ववेद में ये तो नहीं होते, ये तो केवल साम में होते हैं, मुख्यतः उसमें भी ऋचाएं ही हैं। तो त्रयी कहने का मतलब ये है कि वेदों में तीन प्रकार के मंत्र होते हैं, इसलिए इसको त्रयी विद्या कहते हैं। यजुः यजते, यजन से, कर्म से। दो तरह से इसको तोड़ते हैं, एक तो यज धातु से और दूसरा है यत् च और जु। यत् जो है वो बना है इण धातु से, ई होती है गत्यर्थक, और जू भी गत्यर्थक है। इण धातु से यक बना है, और जू जो है वेग, वेग को जिससे जव शब्द बना है, मनोजव, जव माने वेग, तो जू माने जो स्पीड से चलती है, और यक जो इण धातु से बना है गति। तो यजु गति का प्रतीक है, कर्म का वाचक है। यजुर्वेद में जो मंत्र हैं उनका विनियोग होता है, इस याग में ये मंत्र बोला जाएगा, इसमें ये बोला जाएगा। तो इसलिए त्रयी का मतलब है कि तीन प्रकार के मंत्र वेदों में हैं। ये मतलब नहीं है कि वेद तीन ही हैं। और वेद क्या है? वेद अभी हम देखेंगे। वेद इज इक्वल टू संहिता। वेद का एक नाम क्या है? संहिता। संहिता माने कंपाइलेशन, कलेक्शन ऑफ वर्सेस, वो संहिता होती है। तो संहिताएं कितनी हैं? चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको मिटा दूं। सब मिटा दूं? हाँ। मैडम, जो कहा जाता था कि वेद तो एक ही है, इसके बाद में ये ब्रांचेस हुई हैं, क्या ये सही है? वो पुराणों में कहा गया है, पुराणों में, क्योंकि व्यास ने उनका वो किया। लेकिन यदि वेद अपौरुषेय हैं, नित्य हैं, तो उस बारे में मतलब वैदिक परंपरा ये नहीं मानती, पौराणिक परंपरा मानती। वैदिक परंपरा वेद को चार ही मानती, चार ही संहिताएं हैं,
और चार ऋषि ऐसा माना जाता, अभी मैं सब बताऊंगी क्रम से, ईश्वर ने इस ज्ञान का प्रकाश किया और कैसे किया, सृष्टि के आदि में चार ऋषियों के हृदयों में। वो चार ऋषि कौन कौन है? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन चार ऋषियों के हृदय में वेदों का प्रकाश हुआ। ये मनु ने भी कहा है मनुस्मृति में, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग्यजु सामलक्षणम्। तो ये चार वेद इन चारों ऋषियों के हृदयों में इनका प्रकाश हुआ, क्योंकि ऋषियों ने मंत्र बनाए नहीं है, मंत्र किसी ने लिखे नहीं है। मंत्र क्या है? ईश्वरीय ज्ञान है, अनादि है। वेद अनादि, नित्य और अपौरुषेय है। अपौरुषेय के, हाँ बिल्कुल, यही मैं बताने जा रही थी। अपौरुषेय का एक अर्थ तो होता है जो लिटरल है, किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की। नो ह्यूमन बीइंग हैज ऑथर्ड द वेदास, इसलिए वो अपौरुषेय हैं और वो इसीलिए नित्य हैं। जब किसी पुरुष ने उनकी रचना नहीं की तो वो नित्य हैं। जिस चीज की रचना होती है वो अनित्य होती है और जिस चीज की रचना नहीं होती है वो नित्य होती है। दूसरा जो वेद का इस अपौरुषेय शब्द का अर्थ हो सकता है, इम्पर्सनल। देखिए, अगर कोई पुरुष का मतलब एनी ह्यूमन बीइंग और एनी ऑथर, इफ ही और शी राइट्स अ बुक, हिज ओन आइडियाज, हिज परसेप्शंस एंड हिज ओन एक्सपीरियंसेस विल बी रिफ्लेक्टेड इन दैट बुक। लेकिन वेद को जब आप पढ़ते हैं, आपने ईश्वर की बात की कि वेद में ईश्वर है, लेकिन वेद में पर्सनल गॉड नहीं। वेद में जो ईश्वर भी है वो भी कैसा है? इम्पर्सनल गॉड है। क्योंकि जब फिलोसफी में हम कंसेप्ट ऑफ गॉड पढ़ाते हैं तो दो प्रकार का होता है, जैसे रामानुज के दर्शन में, वल्लभ के दर्शन में, वहां पर ईश्वर कैसा है? साकार है, सगुण है, वो पर्सनल गॉड है। लेकिन निर्गुण है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, तो वो कैसा है? इम्पर्सनल। तो वेद में कोई साकार सगुण ऐसा वैयक्तिक ईश्वर नहीं है जिसकी मैं पूजा करूं और आप ना करें। वेद में जो ईश्वर की अवधारणा है वो ऐसा ईश्वर है जो सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि को संभालता है, सृष्टि का प्रलय करता है, और जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो पुनः सृष्टि करता है। और हर सृष्टि के आदि में एक तो मत है ये मीमांसा का, मीमांसा कहता है वेद अनादि है, न कभी किसी ने रचना की, वहां ईश्वर है ही नहीं। लेकिन एक मत है न्याय वैशेषिक का, ये लोग क्या मानते हैं, ये लॉजिक पर चलते हैं, तो वो कहते हैं कि वेद अनित्य है और पौरुषेय है। ये दोनों मत हैं। देखिए, द ब्यूटी ऑफ इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन कि यहां सब तरह के विचार हैं और ये विचार आस्तिक लोगों के हैं, न्याय वैशेषिक आस्तिक दर्शन है, वेद में बहुत आस्था रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वेद के जो शब्द हैं वो अनित्य है। वेद में जो ज्ञान है वो नित्य है, लेकिन जो उसके शब्द हैं वो अनित्य है। और वो किसी पुरुष मतलब ईश्वर, वो ये नहीं कहते कि किसी आम आदमी ने वेद लिख दिए, यहाँ पर पुरुष का मतलब है ईश्वर, उनकी रचना हुई है। किसने की है? ईश्वर ने की है। हर सृष्टि के आदि में ईश्वरीय ज्ञान ऋषियों को देता। नाउ यू हैव टू कॉन्ट्रेरी व्यूज एंड देयर इज अ लॉन्ग डिबेट इन दिस वैदिक ट्रेडिशन, दोनों में हर समय डिबेट चलती रहती है। वो कहते हैं कि वेद का तो एक मात्रा भी इधर जो हो गया वो वैसा ही है,
एक मात्रा भी इधर से उधर आप नहीं कर सकते, ना किसी ने की, ना ईश्वर कर सकता है। तो ऐसे में कहां व्यास उसका वो करेंगे वर्गीकरण। तो मीमांसक बहुत बहुत आग्रही हैं, रिजिड हैं वेद के प्रति। न्याय वैशेषिक रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं वेद सर्व ज्ञान का निधान है, मूल है, लेकिन जब संसार में हर चीज की रचना होती है, हर ग्रंथ लिखा जाता है, तो वेद भी लिखा गया है। और किसने लिखा है? वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं लिख सकता, क्योंकि उसमें जो ज्ञान है वो ऐसा है जिसके बराबर ज्ञान किसी मनुष्य में कभी देखा ही नहीं जा सकता। इसलिए ईश्वर को, बल्कि ईश्वर को सिद्ध ही किससे करते हैं? ईश्वर को सिद्ध करने के लिए जो 8 तर्क देते हैं, 3 तर्क तो इसी पर टिके हुए हैं कि वेद नहीं तो कौन लिखेगा अगर ईश्वर नहीं होगा तो। और वेद क्यों प्रमाण है? क्योंकि ईश्वर ने उनकी रचना की है, इसलिए वेद प्रमाण है। तो उनकी दृष्टि दूसरी है। आइए, तो ये तो हुआ वेद के स्वरूप के बारे में, अब चलते हैं वेद की संरचना, स्ट्रक्चर। आप प्लीज पूछते जाइए बीच बीच। पौरुष की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये नहीं बोलते कि इट हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, इट हैज जस्ट अपीयर्ड लाइक दैट। या अकॉर्डिंग टू मीमांसकास दे आर ऑलवेज लाइक दैट, दे हैव बीन लाइक दैट, नॉट अ सिंगल सिलेबल हैज चेंज्ड। ये मीमांसा है। और न्याय का कहना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्रिएशन वेद का जो ज्ञान है वो प्रकाशित होता है। योग भी यही मानता है। आप योग सूत्र पढ़ रहे हैं, उसमें ईश्वर को क्या माना है? ईश्वर को पहला गुरु कहा गया है। सपूर्वे शाम अपि गुरु हो, ईश्वर कौन है? वो पुराने से पुराने आचार्यों का भी गुरु, सबसे पहला गुरु कौन है? ईश्वर। उसी ने वेद को प्रकाशित किया है। अब आते हैं वेद के स्ट्रक्चर पर। पहला रूप होता है संहिता, और ये संहिताएं कितनी हैं? 4 हैं। 4 वही जो अभी हमने नाम लिए, ऋक संहिता, यजुर् संहिता, साम संहिता एंड अथर्व संहिता। फिर इसके बाद इनमें 4 नाम लिखने के बाद मंत्रों का समूह, संहिता किसे कहते हैं? जिन लोगों ने पाणिनी का थोड़ा सा भी परिचय या उसके अष्टाध्यायी का कुछ भी पढ़ा है, बताओ क्या कहते हैं संहिता का लक्षण? संहिता का लक्षण क्या है? वो तो सहेता है, संहिता संज्ञा प्रकरण। 4-5 संस्कृत के टीचर्स हैं। परह सन्निकर्ष संहिता, परह सन्निकर्ष, वो तो सहेता है जो आप बोल रहे हैं, परह सन्निकर्ष संहिता। ये पाणिनी का सूत्र है, संहिता का लक्षण दे रहे हैं, संज्ञा बता रहे हैं। संहिता किसे कहते हैं? परम सन्निकर्ष, व्हेन देयर इज टोटल प्रॉक्सिमिटी। परम माने एब्सोल्यूट, सन्निकर्ष प्रॉक्सिमिटी अमंग दी कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, देन इट इज संहिता। व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट प्रॉक्सिमिटी अमंग दी लेटर्स, वर्णों में वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता स्यात्। जब अक्षरों में बहुत अधिक समीपता होती है, इतनी कि बीच में कोई दूसरा आ ना सके, उसको कहते हैं संहिता। तो यहाँ पर क्या है, एक मंत्र के बाद जब दूसरा मंत्र रख दिया तो इतना पास है कि अब कोई बीच में तीसरा मंत्र नहीं घुसा सकता। जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, जो मंत्रों का क्रम है वो बिल्कुल वैसा निर्धारित कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 4 संहिताएं हैं। संहिता क्या होती है? 35 साल से बच्चों के आम पठती को पठामी करते करते सब भूल चुका है, इसीलिए तो बारह बैठे। लेकिन संज्ञा प्रकरण में 14 सूत्र हैं, हालांकि संज्ञाएं तो पाणिनी के उसमें सैकड़ों हैं, मगर संहिता संज्ञा जो है वो ये सूत्र है। ठीक, अब आते हैं। अब एक सवाल और उठता है, क्या संहिताएं ही वेद हैं या ब्राह्मण को भी वेद मानना चाहिए? बताइए, सुनी है ये डिबेट जो लोग संस्कृत पढ़े।
ये भी दो मतों में चलती रहती है कंट्रोवर्सी। कुछ लोग हैं जो केवल संगीता को वेद मानते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण भी वेद है, और ब्राह्मण यहाँ पर वो जातिवाचक ब्राह्मण नहीं है, अभी हम ब्राह्मण नाम की टेक्स्ट पर आ रहे हैं। तो संगीता में मंत्र है, मंत्र क्या होते हैं, हर शब्द का जवाब देते जाते हैं, मंत्रा मननात मननात, ये यास्क कह रहे हैं, यास्क की वो है डेरिवेशन। मंत्र क्यों कहते हैं, मंत्र वो है जो मनन के बाद बोले जाते हैं, ये साधारण शब्द नहीं है, मैं बोल रही हूँ आप बोल रहे हैं, हम तो बोलते ही रहते हैं बिना सोचे, लेकिन ये मंत्र क्या होते हैं, ये मनन पूर्वक बोले गए, इसीलिए इनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं साउंड वाइब्रेशंस, दे आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वर्षों तक तपस्या करने के बाद ऋषियों ने अपने अंतःकरण में उसको देखा। ऋषि कौन होता है, ऋषि दर्शनाथ, ऋषि दर्शनाथ, जिसने मंत्रों का दर्शन किया है वो ऋषि, मनन भी किया और मनन के बाद दर्शन किया। can I request, देखिए हम लोग मनन भी करते रहते हैं, कितना भी मनन करें कभी हमें कोई रेवलेशन होता है नहीं होता है। जो पढ़ा है वो याद आता रहता है, हम दोहराते रहते हैं, लेकिन कभी कोई नई चीज हमारे अंतःकरण में प्रकाशित होती है, अगर होती है तो वह व्यक्ति बड़ा धन्य है, भाग्यशाली है, लेकिन साधारण मनुष्यों को ये दर्शन नहीं होता जो ऋषियों को होता है। ऋषियों को दर्शन किसका होता है, तत्व दृष्टा कहलाते हैं या मंत्र दृष्टा कहलाते हैं, मंत्र दृष्टा। ऋषि किसको कहते हैं, मंत्र दृष्टा। हमने आपने कभी कोई मंत्र क्या, कभी कोई पद्य तक नहीं हमें तो दर्शन होता, होता है कोई पद्य मन में, ये कविता फूट पड़े हमारे मन में, इनके मन में फूटती है, ये लिखती रहती है कविताएं, लेकिन मंत्र का दर्शन होना ये तो ऋषि परंपरा लुप्त हो चुकी है, बहुत पुरानी ऋषि परंपरा थी। और ये यास्क ने लिखा है निरुक्त में कि जब पुराने ऋषि थे जिन्होंने दर्शन किया था वो जाने लगे, उनकी पीढ़ी खत्म हुई। अभी जैसे व्हाट्सएप में एक मैसेज चल रहा है कि एक पीढ़ी खत्म हो रही है, वो हमारी वाली पीढ़ी है जिनको पुराना बैगेज अभी लदा हुआ है हमारे ऊपर, संस्कारों का, पुरानी बातों का, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहे हैं, अब जो पीढ़ी आ रही है उसके पास वो सब है ही। तो इसी तरह ऋषियों की पीढ़ी जब जाने लगी तो उन्होंने अपने अगली वाली पीढ़ी को कहा कि अब तुम अपने शिष्यों को ये बताना, उनके लिए कहा कि वो ग्लानी हो रही थी स्मृति की, श्रुति कब तक चलेगी, अगर मैंने आपको बताया आपको याद हो गया फिर आप अगले को बताएंगे फिर वो अगले को, लेकिन ये कब तक चलेगा, जब तक अगली पीढ़ी को पूरा याद रहेगा। अब आजकल किसी को याद रहता पूरा, हमें बचपन में अष्टाध्यायी रटा दी गई छठी क्लास में, लेकिन अब आजकल तो रटने की पद्धति खत्म है बिल्कुल, और जो रटते भी हैं तो आधे अधूरे मन से, वो याद नहीं रहती। तो जब ये परंपरा टूटने लगी तो ऋषियों ने कहा अब तुम्हें तो याद रहेगा नहीं, उसके बाद उन्होंने ग्रंथ बनाने शुरू किए, ये यास्क ने लिखा है 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में फिर ग्रंथ बनाए गए। तो फिर अंत में ये निरुक्त में लिखते हैं कि जब वो भी परंपरा पीढ़ी जाने लगी तो उन ऋषियों ने जो लेटेस्ट पीढ़ी थी उसने पूछा अब हमारा ऋषि कौन होगा, तो यास्क लिखते हैं वहां पर कि अब तुम्हारा ऋषि तर्क ऋषि होगा। जो लोग कहते हैं कि इंडियन थॉट इज नॉट लिबरल एंड टॉलरेंट, यास्क लिख रहा है कि अब तुम्हारा ऋषि कौन होगा, तर्क ऋषि होगा, रीजनिंग विल बी योर सियर, वही तुम्हारे लिए उपदेष्टा होगा। तो एक ऋषि वो थे जिन्होंने मंत्रों के दर्शन किए, दूसरी पीढ़ी वो थी जिन्होंने दर्शन तो नहीं किया लेकिन श्रवण किया, उनको कहते हैं श्रुतर्षि, श्रुतर्षि जिन्होंने सुना, कम से कम वो इतने भाग्यशाली थे कि उन्होंने पहला ऋषि, पहला तो मंत्र दृष्टा ऋषि, मंत्र दृष्टा ये ऋषि ओरिजिनल तो ये थे। जो यास्क जी ने बोला कि वो तर्क से उसका कोई वो तो निरुक्त में या पूरा निरुक्त धीरे धीरे मैं आपको बताती रहूंगी,
क्योंकि निरुक्त छह वेदांगों में से सबसे प्रधान है, पूरे वेद का अर्थ निरुक्त से ही लगाया जाता है। व्यास यास्क, यास्क नहीं सुना आचार्य यास्क नहीं सुना, नहीं बहुतों ने नहीं सुना होगा यास्क आचार्य यास्क, इनका ग्रंथ है निरुक्त, द साइंस ऑफ एटिमोलॉजी। अभी निघंटु भी बता देती है, निरुक्त जो है ये पूरे वेद की कुंजी है, जो निरुक्त को जाने बिना वेद पढ़ता है समझ लीजिए कि आप कुछ तोड़ फोड़ करके घर में घुस गए हैं, लेकिन रास्ता क्या होता है घर में घुसने का, आपके पास बाकायदा एक्सेस होनी चाहिए, सो यू आर नॉट एलिजिबल टू एक्सीड टू द वेद विदाउट निरुक्त। तो निरुक्त में क्या लिखा हुआ है, निरुक्त में हर शब्द को खोल खोल के, ये सब निरुक्त कह रहा है, मंत्रा मननात ऋषि दर्शनात वेद के जो नाम बताए वो सब निरुक्त में किए। निरुक्त इज द मोस्ट एंशियंट इंडियन लिंग्विस्टिक्स टेक्स्ट। इंटरप्रिटेशन का रूल्स भी हैं क्या, ये रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो कोई भी जैसे वेद हो गया तो उपनिषद पर भी लागू होता है? बिल्कुल होता है, जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं शंकराचार्य क्या कर रहे हैं शब्दों को खोल खोल के, तो पद्धति किसने, रास्ता किसने दिखाया, आज हमारे पास एक ही निरुक्त है, जबकि यास्क ने अपने निरुक्त में 18 आचार्यों के नाम गिनाए हैं कि उनका ये मत था, वो है ही नहीं उनके ग्रंथ, और जो हमें मिल रहा है वो भी पता नहीं पूरा है कि नहीं है। तो जो इंटरप्रिटेशन बिना निरुक्त के आधार पर की जाते हैं वो मतलब वैदिक तो नहीं है, वैदिक इंटरप्रिटेशन करने को तो कोई भी स्वतंत्र है। और इस पर मैं एक कहानी सुना, क्योंकि वेद की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में आख्यान आते हैं, आख्यान किसे कहते हैं, आख्यान इसी के आगे वी लगा के आजकल व्याख्यान तो बहुत होते हैं, आख्यान आख्यान माने एनीबॉडी आख्यान प्रोफेसर नैरेटिव नैरेटिव ठीक है कथा कहानी। तो एक आख्यान आता है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, उस दिन अगर कुछ लोग थे, मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ भी मैंने बोला था, तो वहाँ कहानी आती है इंद्र और भारद्वाज, ठीक है, भारद्वाज ऋषि तपस्या कर रहे हैं, करते जा रहे हैं 100 साल की उनको पूरी आयु मिली, एक जीवन मिला, फिर दूसरा जीवन मिला, फिर तीसरा जन्म मिला, मैंने उस दिन भी बताई थी, बहुत ही सटीक कहानी। तो 3 जन्म के बाद इंद्र उनके सामने आए और उन्होंने कहा कि भारद्वाज तुमने इतनी तपस्या कर ली, अब अगर मैं तुम्हें एक चौथा जन्म और दे दूं तो तुम क्या करोगे? तो भारद्वाज बोले मैं क्या करूंगा, मैं तो 3 जन्म वेद पढ़ता रहा, मैं चौथे जन्म में भी वेद ही पढ़ूंगा। तो इंद्र ने क्या किया, 3 बड़े बड़े पहाड़ दिखाए सामने कि ये 3 पहाड़ हैं, उनमें से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा अभी जो तुमने जाना है बस इतना जाना। तो जब 3 जन्म में इतना जाने हो तो अगले पता नहीं कितने जन्म लगेंगे वेद को पढ़ने में। और अंत में उसका सार क्या निकला, सार उसमें कहा है अनंता वही वेदाह, ये इंट्रोडक्शन है सॉरी, लेकिन ये वाली चीज ना बहुत डराने वाली है। नहीं अभी भी आपने 3 पहाड़ 3 जन्म में 3 पहाड़ है उसमें से इतना सा सीखा है, जन्म जन्म लगेंगे तो लगता है कि आपने केनोपनिषद नॉट एबल टू अचीव दी गोल। नो यू हैव रेड द केनोपनिषद, उसका कोई याद आ रहा क्या कहता है वो, उसमें अभी पिछले सेमेस्टर नेत्र और नहीं मैं जो सुनना चाह रही हूँ कि जो समझता है मैंने जान लिया वो कुछ नहीं जानता है, जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता वही वास्तव में जानता है। यस्या मतम मतम तस्य मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम। उसका मतलब ये, मैं सार बता रही हूँ ना, उसका मतलब ये नहीं था कि आपको डिस्करेज कर दे कि आप वेद पढ़ो ही मत, उसका मतलब ये था कि जितना भी पढ़ोगे उतना ही कम है, क्योंकि वेद क्या है, वेद कोई एक पाठ्य पुस्तक नहीं है, वेद तो इतना अनंत ज्ञान है कि जितने भी जन्म मिल जाएं उसका पाठ पूरा नहीं हो सकता।
और अभी आप देखेंगे जब मैं मंत्र पढ़ाऊंगी, एक अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त है, उस पृथ्वी सूक्त की कम से कम 10 तरह से व्याख्याएं की गई हैं। अब वो मैं बताऊंगी जब उसको पढ़ाऊं, 10 तरह से तो की गई हैं जो हमें मालूम है, अभी 100 तरह से और की जा सकती है, क्योंकि हमें यास्क ने एक वो बता दी क्ल्यू। अब आप शब्दों को अलग अलग धातुओं से तोड़ते जाइए और उनके अलग अलग अर्थ करते जाइए। ऐसे भी ज्ञान हमेशा अनंत होता है, बिल्कुल। हाँ, तो केनोपनिषद में तो वही कहा ही है कि ज्ञान को जो समझ रहा है कि मैंने समझ लिया, फिर तो वो कुछ प्रयास ही नहीं करेगा। तो जो जिज्ञासु होता है, उस जिज्ञासु को सदा ये समझना चाहिए, और वही प्रगति करता है ज्ञान के क्षेत्र में, जो अपने को हमेशा ये मानता है कि अभी मुझे और सीखना। और जिसने ये सोच लिया कि अब जो जानना था वो तो जान लिया, रावण की तरह, कि उसे ज्ञान तो हो गया था लेकिन ये अभिमान भी हो गया था कि मैंने तो 10 शास्त्र पढ़ लिए। लेकिन शास्त्र 10 नहीं है, 14 तो गिनाए गए हैं, और उसके अलावा वेद, उसमें 4 वेद भी हैं, उनके अलावा पता नहीं। अभी मैं आपको पूरा लिटरेचर ही बताने जा, आज केवल मैं लिटरेचर का इंट्रोडक्शन दूंगी, वो भी वो लिटरेचर जो बचा है, पता नहीं कितना तो खो गया है, जला दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। तो कोई सारा जान सकता है? कोई मनुष्य नहीं जान सकता। जीव जो है वो अल्पज्ञ है, थोड़ा जान सकते हैं, लेकिन थोड़ा जानकर थोड़ा और जानने के प्रति। हर दर्शन का आरंभ कहाँ से होता है? शंकराचार्य जिस दर्शन की व्याख्या करते हैं, ब्रह्म सूत्र, पहला सूत्र क्या बताते हैं? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब अगर जिज्ञासा ही नहीं होगी तो जानने की जरूरत क्या? और जैमिनी क्या कहते हैं? अथातो धर्म जिज्ञासा। अगर धर्म जानने की इच्छा है तो इधर आ जाओ, अगर ब्रह्म को जानना है तो इधर आ जाओ। और कणाद कह देते हैं सीधे, अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। तो अलग अलग आचार्य अलग अलग विषय को लेकर, और ऐसा कहते हैं कि द्वादशभिर वर्षई ही व्याकरणं श्रूयते। व्याकरण 6 अंगों में से वेद का एक अंग, एक अंग निरुक्त है और एक अंग व्याकरण है। व्याकरण पढ़ने में कितने साल लगते हैं? 12 साल, वो भी उस जमाने के। आजकल के जो 12 साल 12th क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो खाली व्याकरण नहीं पढ़ रहा, वो तो टीवी भी देख रहा है, व्हाट्सएप भी कर रहा है, ट्रैवल भी कर रहा है, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर रहा है, और फिर थोड़ी देर ग्रामर पढ़ रहा है। वहाँ पूरी तरह समर्पित होकर 12 साल तो व्याकरण पढ़ने, तो अगर 6 अंग पढ़ने, 12 6 72, तो इसी में निकल गए। फिर वेद पढ़ना शुरू होगा, 6 वेदांगों के बाद वेद शुरू होगा। तो ये सिर्फ आपको एक ग्लिम्प्स देने के लिए कि आज आप जिस भवन में, जिस महल में प्रवेश करने जा रहे हैं, बस उसमें से एक छोटा सा पीप मिलेगा। इस और ये हैरानी की बात है कि हमारी परंपरा में, इसीलिए मैंने ज्याले मी का कोटेशन पढ़ा, जरूरत नहीं थी उसकी, कि वो लोग इसकी महत्ता समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिरामिड तो उखड़ जाएंगे और जितने सोने चांदी हैं उनकी चमक कम हो जाएगी, लेकिन ये एक ऐसी धरोहर है जो न कभी खत्म हुई है और ना ही कभी। जैसे कल जो मैंने वीडियो का लिंक शेयर किया था उसमें साउथ वेस्टर्न, उसमें देयर आर टाउन्स व्हिच आर सबमर्ज्ड, वो बताया, वो टिपिकली 6-7-8000 BC के करीब का डेटिंग रफली किया उन्होंने अभी, बट उसके ग्राउंड अभी कुछ पता ही नहीं। तो ये तो टेक्सचुअल एविडेंस है, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, इसको सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अभी तो जब आप वेद को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, मैंने इसलिए बताया कि वेद पढ़ाया नहीं जा सकता 12 क्लासेस में, केवल उसका आपको झांकी झांकी लगती है ना जन्माष्टमी पे, तो झांकियां बस दिखेंगी। दशहरे पे रामलीला होती है, तो रामलीला 12 दिन में 9 दिन में नहीं हो सकती, लेकिन कुछ झलकियां दिखाई जाती। चलिए, तो वो हो गई 4 संहिताएं। अब हैं हर संहिता के, पहले तो संहिता की शाखाएं होती हैं, शाखा लिखते शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ वेदास। हर वेद संहिता की शाखाएं होती थी, ब्रांचेस। ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई, 21।
आजकल जो चलती है वो शाकल शाखा है, वही मिलती है और वही प्रचलित है, शाकल शाखा। मतलब 20 अवेलेबल नहीं है? नहीं, बाष्कल थोड़ी थोड़ी मिलती है, बाकी सब लुप्त तो हो चुकी है। और तो ये कौन बता रहे हैं कि ये सब इन्हीं ग्रंथों में लिखा हुआ है, पूरी ग्रंथ परंपरा है वेदों की। ये जो शाखाएं हैं ऋग्वेद की, अभी दो में से केवल शाकल शाखा हमें मिल रही है, नाम हमें 5-6 के ही मिल रहे हैं, लेकिन उल्लेख 21 का हुआ है। उसके बाद यजुर्वेद की 100 शाखाएं थी, 100 अध्वर्यु शाखा यजुर्वेद की 100, अभी कितनी मिलती हैं? अभी दो ही मिलती हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल में भी वाजसनेयी संहिता और कृष्ण में तैत्तिरीय संहिता। नाम आते हैं, कठ शाखा भी है, कापिष्ठल शाखा है, तैत्तिरीय के साथ मैत्रायणी शाखा है, इधर माध्यंदिन के साथ कांव शाखा है, लेकिन मिलती केवल दो ही हैं, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी वाजसनेयी शाखा है और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा। अब ये शुक्ल और कृष्ण क्या है? कोई कहेगा गोरे और काले रंग की बात कर रहे हैं, तो शुक्ल का मतलब होता है शुद्ध पवित्र, और कृष्ण मतलब जिसमें कुछ मिला दिया है। तो शुक्ल में केवल पद्य है, वर्सेस है, और कृष्ण में गद्य मिला दिया है। जो वेद संहिताएं हैं उनमें मंत्र होते हैं, छंद होते हैं, पद्य होते हैं, और जो ब्राह्मण हैं वो प्रोज में लिखे गए हैं, वो गद्य हैं। तो जिस वेद संहिता में ब्राह्मण मिला दिया वो क्या हो गया? कृष्ण। और जिसमें केवल मंत्र हैं वो क्या है? शुक्ल। ये इसका आधार है। फिर उसके बाद आया सामवेद। साम के लिए तो लिखा है, जैमिनी ने लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा, सहस्र वर्तमान सामवेद। सामवेद की तो 1000 शाखा। क्यों? क्योंकि वो गाया जाता है, तो गाने के तो कितने प्रकार हो सकते हैं एक ही मंत्र को गाने के, तो उसकी 1000 शाखाएं थी। और अभी कौन कौन सी मिलती हैं? 3 हैं, कौथुम, रणायनीय और जैमिनीय, ये 3 ही मिलती हैं। फिर अथर्ववेद है, अथर्ववेद की 9 शाखाएं बताई जाती हैं, लेकिन अभी जो चल रही है वो 2 हैं, पैप्पलाद और शौनक, ये तो हुई शाखाएं। अब आइए ब्राह्मण, ये सब नेट में भी अवेलेबल है, बाद में लिखवा दूंगी, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं है, वो मिलती ही नहीं है। जो मिलती हैं पैप्पलाद और शौनक अथर्ववेद। Will you have to learn these? No, no, you don't have. Just an introduction. At least you should know that there was such a voluminous kind of literature which is lost. And if it is not lost, it is lost for the generation which doesn't know a word about it. जी, आप कुछ पूछ रहे? अब आइए ब्राह्मण। तो हर वेद के साथ, क्योंकि वेद के मंत्र जो होते थे वो तो पद्य में है, छंद में है, उनकी व्याख्या करने के लिए फिर बाद के आचार्यों ने क्या किया, कर्म उसकी गद्य में व्याख्या की। तो ये जिसमें ब्रह्म शब्द से बना है, ये ब्राह्मण से, ये नकारांत शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण की जिसमें व्याख्या, ब्राह्मणः व्याख्यानम ब्राह्मणम, ब्राह्मणः व्याख्यानम ब्राह्मणम। ब्रह्म के कई अर्थ हैं, जो 2 अर्थ हमें लेने हैं, एक तो ब्रह्म का अर्थ वेद है और दूसरा ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है। तो यज्ञ की जिसमें व्याख्या है वो ब्राह्मण है, या वेद की जिसमें व्याख्या है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। अब ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण। ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण प्रसिद्ध। यजुर्वेद का, यजुर्वेद का सुना है किसी ने? शतपथ ब्राह्मण। अभी भी आप देखिए उड़ीसा में शतपथी होते हैं ना, नंदिनी शतपथी, हरे कृष्ण शतपथी, वो शतपथ उनके परिवार का, गोत्र का वो रहा हो, वो माध्यंदिन शाखा के अनुयायी हैं और शतपथ ब्राह्मण के विद्वान उनके परिवार में रहते होंगे, लेकिन अब नाम से वो शतपथी हैं,
शायद उन्हें पता भी ना हो कि उनका नाम शतपति, क्यों शतपति का उच्चारण में सतपति, नंदिनी सतपति लिखती थी। तो ये शतपद ब्राह्मण यजुर्वेद की, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा का ब्राह्मण है। इसके 100 अध्याय हैं, शतपथ 100 रास्ते हैं इसके, इसलिए ये शतपद बहुत ही महत्व। और जो बृहदारण्यक उपनिषद है वो इसी का अंतिम चैप्टर है। आप बृहदारण्यक उपनिषद का नाम तो पढ़ा है ना, इसका अंतिम चैप्टर है। इसका मतलब बृहदारण्यक किस वेद का उपनिषद है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय। अभी जो मैंने कहानी सुनाई इंद्र और भारद्वाज की, वो इसी में आई है, तैत्तिरीय ब्राह्मण। अनंता वही वेदा, ये इसी में कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तलवकार ब्राह्मण सामवेद का है। तलवकार पहले सुन चुके हैं वो लोग जो सेकंड सेमेस्टर में हैं, बताइए। केन उपनिषद इसी तलवकार शाखा का उपनिषद, सामवेद की तलवकार शाखा का उपनिषद केन उपनिषद। और ईशोपनिषद भी आपने पढ़ा, वो किसका है? वो तो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही है। शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद, इसलिए वो शुक्ल यजुर्वेद का। तो ये हुए संगीता ब्राह्मण। अब आइए आरण्यक। पहला भाग था संगीता, दूसरा था ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक। अथर्व का कौन सा है? अथर्व का नहीं बताया मैंने। इसका है प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। सॉरी, ये तो तीनों उपनिषद हैं, ब्राह्मण बताना है। इसका गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण है। ऋग्वेद का भी एक ही मिलता है। सामवेद का ब्राह्मण, तलवकार एक बताया, लेकिन बहुत सारे हैं वैसे, और भी हैं। आर्षेय ब्राह्मण है, पंचविंश ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण है, जैमिनीय या तलवकार एक ही है। तलवकार का ही दूसरा नाम जैमिनीय ब्राह्मण। शतपथ शुक्ल यजुर्वेद का है, ऐतरेय ऋग्वेद का है। ऋग्वेद यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय, सामवेद तलवकार और अथर्ववेद का गोपथ। एक एक जानना आपके लिए काफी है। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांड का वर्णन है, जिस जिस मंत्र का, जिस जिस रिचुअल में इम्प्लीकेशन होता है वो बताते हैं कि ये मंत्र इस रिचुअल में लगाया जाएगा, ये इसमें पढ़ा जाएगा। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। शुरू में हमने एक बात कही थी कि वेद किसे कहते हैं, खाली मंत्र को या ब्राह्मण को भी? तो कुछ लोग हैं खाली मंत्र को ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग हैं जैसे मीमांसक, वो कहते हैं मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नामधेयम्। वो मंत्र को भी वेद मानते हैं और ब्राह्मण को भी वेद मानते हैं। इस शताब्दी में, पिछली 19वीं शताब्दी में दो विद्वान हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती केवल मंत्र को वेद मानते हैं। वो कहते हैं ब्राह्मण परमात्मा की रचना नहीं है, वो मनुष्यों ने व्याख्या की। जयपुर में, राजस्थान में एक विद्वान हुए मधुसूदन ओझा, 20वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने व्याख्या की। और वो कहते हैं कि जो संहिता भाग है वही मूल वेद है, ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद तूल वेद। तूल जानते हैं किसको कहते हैं? बड़ा दिनों, जैसे रुई का इतना सा वो बना लीजिए बॉल और फिर उसको ले जाइए तो वो फैला देगा, उसे ब्लफ कर देगा, ब्लो कर देगा, वो तूल बन जाएगा। तो वो कहते हैं कि जो मंत्र है वो तो संहिता वेद मूल वेद है और बाकी सारा तूल वेद है। मतलब ये है कि ईश्वर ने किसको प्रणयन किया है? केवल मंत्र भाग को। लेकिन मीमांसक मानते हैं कि ब्राह्मण भी वेद का ही भाग है। उनमें से जो सबसे पहले व्याख्याकार हुए, जिन्होंने चारों वेदों की व्याख्या की, 14वीं शताब्दी के विद्वान सायण,
आचार्य सायण ये मानते हैं कि मंत्र भी वेद है और ब्राह्मण भी वेद, क्योंकि वो भी मीमांसक थे, कर्मकांडी थे, तो ब्राह्मण में ही तो सारा कर्मकांड है, इसलिए उन लोगों के लिए कर्मकांड महत्वपूर्ण है, तो ब्राह्मण भी वेद ही है। तो हमने संहिता देखी चार, ब्राह्मण देखे एक एक कम से कम, उनके आरण्यक देखे, और अब उपनिषद अंतिम आरण्यक नहीं बताए, लिखिए वही नाम है, ऋग्वेद का है ऐतरेय आरण्यक, ऐतरेय आरण्यक जो इसका ब्राह्मण था वही उसका आरण्यक है। यजुर्वेद का बृहदारण्यक, वो तो आपको पता ही है, बृहदारण्यक नाम में ही आरण्यक लिखा हुआ है, बृहत आरण्यक। सामवेद का तलवकार आरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का वही तैत्रीय आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय आरण्यक, सामवेद का तलवकार या जैमिनीय आरण्यक। आरण्यक शब्द कैसे बना है? अरण्य की तरफ, ब्राह्मण में दो जो शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म के दो अर्थ हैं वेद और यज्ञ, ब्राह्मण ग्रंथों का सारा फोकस किस पर था? यज्ञ पर, कर्मकांड पर। अब जब कर्मकांड इतना जटिल बना दिया गया, इतना जटिल बना दिया कि आम लोग तो उसको समझते ही नहीं, यजमान उनकी बजाय बैठ के कर रहा है और यजमान उसका फल पा रहा है, ये सब बना दिया उसको इतना जटिल, फिर लोगों की उसके प्रति क्या हो गई? रुचि कम होती चली गई और वो जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की ओर जाने का मतलब कि अब उनको फिर से कंटेम्पलेशन की तरफ प्रेरणा हुई कि ये सब क्या बेकार, अभी क्या हो रहा है हमारे समाज में, इस समय भी कर्म कांड में इतना आडंबर, इतना ढोंग भर गया है कि अब लोगों को उससे क्या होता जा रहा है, उसके प्रति अरुचि होती जा रही है कि उससे तो अच्छा बैठ के मेडिटेशन करो, लोग मेडिटेशन की तरफ जाओ। वही स्थिति है कि यहाँ कर्म कांड था और फिर वो आरण्यक, अरण्य की तरफ विचार की ओर मुड़ गए, और जब विचार करना प्रारंभ किया उस विचार का सार कहाँ पहुंचा? उपनिषद, उपनिषदों में आकर उस विचार की क्लाइमेक्स, चरम परिणति। उपनिषद को इसीलिए वेदांत कहते हैं, दोनों तरह से वेदांत है, वेद का अंतिम भाग है और अंत का अर्थ होता है एसेंस, सो नॉट ओनली द कल्मिनेशन ऑफ वेदिक लिटरेचर बट ऑल्सो द एसेंस ऑफ वेदास इज कंटेन्ड इन द उपनिषद्स। ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है? नाम तो वही है जो चला आ रहा है, ऐतरेय उपनिषद। यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का बताइए, ये लिखा पड़ा बृहदारण्यक उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद, कठोपनिषद, सामवेद का अभी केनोपनिषद, अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मंडुक्य उपनिषद। तो ये तो हुआ लिटरेचर का एक, कैन यू राइट देम, क्या उपनिषद, या यू सी ऐतरेय इज रिटन हियर, सेम ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद फॉर कृष्ण यजुर्वेद, बृहदारण्यक इज रिटन हियर, बृहदारण्यक उपनिषद ऑफ शुक्ल यजुर्वेद, एंड तलवकार के जो है उसका है केनोपनिषद, अथर्व के मैं लिख देती हूँ प्रश्न, इसको मिटा दीजिएगा ठाकुर जी, इसके बाद प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद एंड मांडुक्य उपनिषद, और जो बाकी उपनिषद हैं वो भी किसी ना किसी वेद से जुड़े ही हुए। अच्छा, ये मेन है, मेन जो है वो मैंने बताए, क्योंकि हमारा इसमें कोई खास वो नहीं है, मैं तो आपको शुरू से ले जा रही हूँ कि जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने से पहले मूल से तो चले। सब ब्राह्मण के अंदर नहीं आ रहे, बृहदारण्यक आया है, आपने बताया कि आरण्यक के बाद जो उसका वृक्ष निकला वो उपनिषद है,
तो उस हिसाब से तो ये अलग टेक्स्ट हो गए। टेक्स्ट तो अलग ही है, कुछ आ गए, एक दो आ गए, सब नहीं आए। जैसे बृहदारण्यक आ गया, वो आरण्यक भी है, उपनिषद भी है, ईशोपनिषद, वो वेद संहिता भी है और उपनिषद भी है। लेकिन बाकी तो प्रश्न स्वतंत्र है, मुंडक स्वतंत्र है, मांडुक्य स्वतंत्र है, कठ स्वतंत्र है। 11 या 13 जो प्रमुख उपनिषद हैं उनमें से बहुत सारे स्वतंत्र है, 2 या 3 हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं। अब देखिए कि चारों वेद संहिताओं में कुल कितने मंत्र हैं। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं, सबसे बड़ा ऋग्वेद संगीता। वेद जब हम कहते हैं तो अब हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे लिए वेद क्या है, संगीता ही वेद है। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद वैदिक वांग्मय का हिस्सा है लेकिन वेद का हिस्सा नहीं है। तो ऋग्वेद में 10,552, यजुर्वेद में 1900, सामवेद में 1875, वो छोटे छोटे हैं दोनों। इन 1875 में से भी 99 सिर्फ नए हैं, बाकी सारे ऋग्वेद के हैं। सामवेद में, अथर्ववेद में 5,977। इतने सारे अवेलेबल हैं? सब ये अवेलेबल की बात है, अवेलेबल की बात है। और जो नॉन अवेलेबल है वो नहीं, नॉन अवेलेबल कोई वेद मंत्र को नॉन अवेलेबल नहीं। मैं तो बता रही हूँ उसमें एक मात्रा का भी अंतर नहीं हुआ हजारों साल से, क्रम नहीं बदला है ना बदल सकता है। तो जो अभी आपने बताया कि हो गया है, क्या बताया था, क्या हो गया? बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं। शाखाएं तो उच्चारण करने के तरीके हैं, मंत्र तो यही हैं, उन शाखाओं में उच्चारण भेद। शाखा का मतलब उसकी, जैसे अभी आप चले जाइए तो जो हमारे यहाँ शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है और कृष्ण, उसमें शुक्ल और कृष्ण में तो पद्य और गद्य का अंतर है, लेकिन जो ऋग्वेद की शाखा उत्तर भारत में प्रचलित है वहाँ उच्चारण और ढंग से होगा। फिर इनके उच्चारण के लिए प्रातिशाख्य ग्रंथ बनाए गए, अभी वो भी बताऊंगी। प्रति शाखा के लिए रेसिटेशन के अलग अलग रूल्स थे, तो वो भेद केवल रेसिटेशन में, मंत्रों में कोई अंतर नहीं। मंत्र सब अवेलेबल है, बस अवेलेबल है और ज्यों के त्यों अवेलेबल है। नॉट अ सिंगल, वही तो ज्याले मी का मैंने जो कोटेशन पढ़ा, नॉट अ सिंगल सिलेबल हैज चेंज्ड, दैट इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। विदाउट अ रिटन और पब्लिश्ड बुक, एंड इफ दैट वॉज नॉट द केस वेदास वुड नॉट हैव रीच्ड अस, क्योंकि किताबें तो उन्होंने नष्ट कर दी। लोगों के हृदय में या वाणी में या कंठ में जो भरा हुआ है उसको कैसे नष्ट करेंगे। अभी भी दक्षिण भारत में, केरल में, कर्नाटक में ऐसे परिवार हैं जिनको पूरे पूरे वेद कंठस्थ, और कंठस्थ करने के भी तरीके हैं, वो अभी बताऊंगी, पहले वही बता देती हूँ। 8 प्रकार के विकृति पाठ होते हैं। एक तो हो गया संगीता पाठ, वो अलग है। संगीता में क्या है, हर अक्षर एक दूसरे, जैसे कोई मंत्र बोलिया, कोई भी मंत्र बोलिया, गायत्री मंत्र, चलिए तत्सवितुर्वरेण्यम्, यहां तक ले लेते हैं। त में क्या मिला हुआ है, अ, उसके बाद फिर स, स में अ, सब अक्षर एक दूसरे से गुथे हुए हैं। परह सन्निकर्षः संगीतः, ये क्या है, संगीता पाठ है। अब इसका पद पाठ बनाना है तो कैसे करेंगे, तत् सवितुः, 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 ये पद पाठ हो गया। संधियां तोड़ दी, संधियां तोड़ दी और अलग अलग कर दिया, उनको डाइसेक्ट कर दिया, ये पद पाठ हो गया। ठीक है, संगीता पाठ और पद पाठ, ये तो दो हो गए, इनको नहीं गिनेंगे, वो अभी 8 बता रही। ये तो 2 हो गए, संगीता पाठ तो जब रिसाइट करना है तो संगीता एक तरीका है। पद पाठ क्यों है, उसका अर्थ जानना है तो संधि तोड़नी पड़ेगी, उसका अर्थ समझना है, तो ये पद पाठ हो गया। ये 1 है, ये 2 है। These two are in addition to the 8 types of recitations
दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। बेटा ये आठ को कहते, ये तो प्रकृति है, प्रकृति माने मूल ओरिजिनल। अब आएगा विकृति, विकृति पार्ट, आठ विकृति पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? जटा, जटा पार्ट, माला पार्ट, शिखा पार्ट, रेखा पार्ट, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ, ये आठ है। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और घन। मुझे तो आते नहीं है करने, लेकिन इसका तरीका क्या है, जैसे सरगम होती है ना, हम स रे ग म प ध नि स, सात स्वर हैं, उन्हीं सात के कितने म्यूटेशंस और परम्यूटेशंस होते हैं, तो इनके भी रूल्स हैं। कैसे, जैसे अब हमने पढ़ा था तत् सवितुः वरेण्यम, फिर हमने कहा तत् सवितुः वरेण्यम, ये पद पाठ। अब इसको जब पढ़ेंगे तो तत् सवितुः, सवितुः तत्, फिर पढ़ेंगे तत् सवितुः वरेण्यम, सवितुः वरेण्यम, तत् सवितुः वरेण्यम, तो आगे से पीछे, पीछे से आगे, इस तरह आठ प्रकार से पढ़ेंगे। उसका रिजल्ट क्यों किया ये सब? दीज वर द डिवाइसेस टू स्टोर एंड प्रिजर्व द वैदिक टेक्स्ट इन टोटली अनचेंज्ड फॉर्म। ये पाठ जो डिवाइस किए थे, और लोगों को, एक लड़का था, मैंने बताया भी था शायद, दयाल सिंह कॉलेज में था, नारायणन, यंग लड़का था, उसको पूरा ऋग्वेद आठों तरह की विकृति पाठ के साथ याद था। और आप लोग कहेंगे तो अभी भी गुरुकुलों में बच्चे हैं जिनको ये पाठ करने आते हैं, मैं बुला दूंगी। छोटी छोटी बनारस में एक लड़कियों का गुरुकुल है, वो जर्मनी तक में जाके ये कर चुकी हैं विकृति पाठों का प्रदर्शन। एक बार सुनना तो चाहिए, सुनना चाहिए। वैसे आपको यूट्यूब में सब मिल जाएगा, अगर विकृति पाठ दे, आजकल तो बटन से ही सब मिलता है, लेकिन टू लिसन इन पर्सन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये तो हुए विकृति पाठ कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, आठ विकृति पाठों के नाम, ऋग्वेद का ब्राह्मण। ये लास्ट वाला घन है, घन 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 पाठ तो पूरा धड़ा धड़ ऐसे ऐसे चलता था। नाम, नाम से ही लग रहा है ना, घन माने गहरा, और नाम भी रखे हैं तो कुछ उसका कारण है, सिंबॉलिक हैं वो सारे। तो मैम जब कोई वेद पढ़ता है, जो मतलब आता है, तो वो इन सब में से नहीं, रोज ऐसा नहीं पढ़ता। ये तो जिन पजेस से, वो शतपथी मैंने बताया, अब शतपथी परिवार में पूरा शतपथ उनको कंठस्थ होता था, इसीलिए उनका नाम शतपथी। देखिए द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अब नाम के हैं ये सारे। जिनको दो वेद याद थे वो द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी, लेकिन अब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ये बेसिकली ट्रांसमिशन एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए, बिल्कुल टेक्निक्स हैं ये। संस्कृत में वैसे ही अगर शुद्ध उच्चारण है तो कुछ इधर उधर नहीं हो सकता। फिर उसमें, क्योंकि उनको तो इतना सहन नहीं है, इसको कहते हैं नियत वर्णानुपूर्वी, कि हर अक्षर का ऑर्डर नियत है, एक को भी इधर से उधर हिला नहीं सकते। नियत वर्णानुपूर्वी, ये पूरे संस्कृत साहित्य पर चलता है। आप किसी भी दर्शन का सूत्र ले लीजिए, सूत्र में आप इधर, वैसे संस्कृत में आप कहीं का शब्द कहीं भी रख सकते हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगा वो। रामः गच्छति दिल्ली नगरम, दिल्ली नगरम गच्छति रामः, गच्छति रामः दिल्ली, न कुछ भी कर लीजिए, अर्थ नहीं बदलेगा। लेकिन वेद में या आर्ष ग्रंथों में, आर्ष ग्रंथ किनको कहते हैं, जो ऋषियों ने बनाए हैं, आर्ष ग्रंथ या काव्य, कालिदास ने अब काव्य लिखा है, उसने अगर पिनाकी शब्द दिया है तो आप कपाली नहीं लगाएंगे, पिनाकी भी शिव है, कपाली भी शिव है, लेकिन आप उसका अगर बदल देंगे तो काव्य का सौंदर्य खत्म हो जाएगा, और शास्त्र में बदल देंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ये सब क्या है, नियत वर्ण अनुपूर्वी, नियत माने फिक्स्ड है, वर्ण माने लेटर का, अनुपूर्वी माने सीक्वेंस।
यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में भी कंप्यूटर्स में यूज होता है उसको कंट्रोल एरर कंट्रोल चेक बिट्स या इस तरह से बोलते हैं। तो हर पैकेट जो ट्रांसमिट होता है उसका एक कंट्रोल चेक बिट होती है टू सी इट हैज बीन रिसीव प्रॉपर्ली और नॉट। अगर प्रॉपर्ली रिसीव हो गई तो एक्नॉलेजमेंट जाती है। दैट्स व्हाई दे से संस्कृत इज बेस्ट सूटेड फॉर कंप्यूटेशन। पर यूज तो होती नहीं है, यूज तो होती नहीं, सिर्फ कहने को ही होता है। प्रॉब्लम क्या है ना, जिन्हें संस्कृत आती है उन्हें कंप्यूटर नहीं आता, जिन्हें कंप्यूटर आता उन्हें संस्कृत नहीं आती, तो इसलिए यूज नहीं होती। अब आप यू संस्कृत पढ़ रहे हो, आप कर सकते हो। अब हम लोग इस उम्र में कंप्यूटर सीखेंगे भी तो उस लेवल तक नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए जो बात कही कि यंग लोग अगर सीखेंगे तो शायद उसका ज्यादा उपयोग हो पाएगा। तो अब हमने देखा वेदों की अब आ गया कमेंट्रीज ऑफ वेदास कमेंट। अच्छा पहले उससे भी पहले पब्लिकेशन ऑफ वेद कब छपा पहली बार, क्योंकि श्रुति है। कुछ साल पहले जेएनयू में किसी ने मुझसे पूछा कि छपा कब था पहली बार, तब तक मुझे भी नहीं मालूम था। लेकिन कल मैं हैरान कि ये जो नेट है इसने तो कमाल कर दिया। मतलब वो मुझे इतना मेहनत करके नाम मिला था कि पहली बार कहाँ छपा किसने, और नेट में कल मैंने खोला उसका नाम भी मिल गया और वो किताब भी अवेलेबल है आर्काइव में। तो आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो इस युग में पढ़ रहे हैं, सब कुछ बटन दबाते ही सुलभ है। हम लोगों को मतलब वो नाम ढूंढने में कितने लोगों से मैंने पूछा, लेकिन हम पढ़ने नहीं चाहते ना मैम, सारी समस्या तो ये। जिसने पहली बार ऋग्वेद के कुछ अंशों का लैटिन में ट्रांसलेशन करके प्रकाशन किया, फ्रीडरिख रोजिन। अभी आप इसका नाम नेट में डालिए और साथ में ऋग्वेद लिख दीजिए, फ्रेडरिक रोजिन। रोजिन बस, क्योंकि खाली रोजिन लिखने से तो कई नाम आ रहे थे, फिर मैंने ऋग्वेद डाल दिया तो वो किताब भी आ गई। लैटिन में ट्रांसलेशन हुआ था और कुछ अंश छपे थे 1805 से लेके 1837 के बीच, 1805 to 1837। इसके पहले कंठस्थ थे, छपे नहीं थे, और ट्रांसलेशन भी पहली बार जरूर है। ये तो नाम इंडियन नहीं है। नहीं नहीं, और पहले तो अवेलेबल थे, सायण ने तो 14वीं शताब्दी में कमेंट्री की है, 14वीं शताब्दी। लेकिन ये पहली बार विश्व पटल पर प्रकाश, दुनिया के सामने तो ये आया ना, उनको पता चला। सायण का भाष्य तो संस्कृत में है, उससे पहले और भी कुछ भाष्य हैं जो 15वीं 16वीं में लिखे गए, लेकिन ऋग्वेद का पुस्तक रूप में अनुवाद सहित, और ये पूर्ण नहीं है, केवल कुछ अंशों का है। ये भी तक प्रश्न हो सकता है कि भारतीय भाषाओं में नहीं लिखा गया इससे पहले, शायद नहीं नहीं, नहीं। भारतीय भाषाओं में क्या, हिंदी में भी पहली बार स्वामी दयानंद ने संस्कृत में लिखा उन्होंने भी भाष्य, फिर उसका हिंदी, उन्हें खुद भी हिंदी नहीं आती थी क्योंकि वो गुजराती थे और संस्कृत माध्यम से पढ़े थे, हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने हिंदी किसी से लिखवाई, और उस हिंदी और संस्कृत में बहुत अंतर है। उन्हें हिंदी आती नहीं थी, और कुछ लोगों ने बताया कि देखिए हिंदी में अर्थ गलत आ गया, तो बोले कि मुझे लिखा हुआ ये प्रमाण है कि मुझे हिंदी नहीं आती है, उसका नाम लिखा है कि ये भीमसेन जानबूझकर गलती करता है। अब वो पता नहीं मतलब क्यों करता था, क्योंकि उनका मंतव्य अलग था कुछ वेद के बारे में। तो हिंदी में पहली बार उन्होंने नहीं किया लेकिन कराया। That was the first time that the Vedas were made available in vernaculars. उससे पहले तो संस्कृत के अलावा वेद का किसी भाषा में रूपांतरण ये विदेश में हुआ था, लेकिन और उनको भारत में एक प्रति नहीं मिली थी वेद की, वो मैक्स मूलर से ही मंगानी पड़ी थी, क्योंकि वो तो कर रहा था वहाँ बैठ कर सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में, सारी ले गए हैं वो लोग। ये किताबें जो हमारे यहाँ नहीं मिलती हैं वो सारी वहीं मिलती हैं, जर्मनी में और इंग्लैंड में। अब आइए छह वेदांग। पूरी एक ट्रेडिशन है फिर रोजेन के बाद, कैसे कैसे बुर्नूफ ने फ्रांस में, मैक्स मूलर ने, जब मैक्स मूलर शायद 23 या 24 साल का था, वो बुर्नूफ नाम का एक प्रोफेसर था, उसकी क्लास अटेंड की उसने,
और उस दिन तक मैक्स मुलर ने वेद पढ़ा नहीं था, वेद से परिचित नहीं था। और अगर आप पढ़ेंगे, उसने लिखा है कि उस दिन वो क्लास अटेंड करके मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया। और उसके पास नौकरी नहीं थी जैसे अधिकांश लोगों के पास जर्मनी से पढ़ा था। फिर जब उसको वहाँ पर इन लोगों ने नौकरी दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड में, बहुत एक आकर्षक सैलरी भी दी, तो वो तो नौकरी करने के लिए गया था। सारे वेदों का, सब हमारे ग्रंथों का पब्लिकेशन फिर उसने किया। तो वहाँ यूरोप में परंपरा चल रही थी, 19वीं शताब्दी से शुरू हुई और बहुत समृद्ध परंपरा है। अब आइए वेदांगों पर। वेद के 6 अंग, सब्सिडियरीज ऑफ वेद, वो जो थे वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वो तो देवर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वेद, वेदिक लिटरेचर। ये हैं सब्सिडियरीज जिनकी सहायता से वेद पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। बताइए, शिक्षा सबसे पहला है, शिक्षा, दूसरा कल्प, अभी कल्प कहाँ, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प तो लास्ट है, छंद, ज्योतिष और कला। ये 6 वेद के अंग हैं। मैम इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, पहले ज्योतिष लिख दे या निरुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने जो दिया है उसका कारण है। इसमें ऐसी बात, अब ये वो वाली चीज खत्म हो गई जो एक सेक्रेड वो थी, सेंसिटिव, इसमें आप कर सकते हैं। और फोकस भी आपका किस पर है, आपको अर्थ के बारे में ज्यादा बात जाननी है तो निरुक्त को पढ़िए, अगर फॉर्मेशन जानना है वर्ड्स का तो व्याकरण पढ़िए, अगर रेसिटेशन सीखना है तो शिक्षा पढ़िए, अगर उसके जो पोएटिक फॉर्म है उसके बारे में जानना है आपको तो छंद पढ़िए, प्रोसडी जाननी है तो छंद पढ़िए, अगर काल गणना करनी है तो ज्योतिष पढ़िए, और अगर रिचुअल उसका जो इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन है वो पढ़ना है तो कल्प पढ़िए। तो ये 6 सब्सिडियरीज हैं। इन 6ों के ज्ञान के बिना अगर वेद पढ़ते हैं तो उसका पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा। शिक्षा क्या कहते हैं, स्वर वर्णाद्युच्चारण, इसको रेसिटेशन कहना है। शिक्षा का मतलब यहाँ एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, शिक्षा है स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों शिक्ष्यते यया सा शिक्षा। स्वर वर्ण आदि का उच्चारण प्रकार सीखा जाता है जिसके द्वारा वह शिक्षा है। शिक्षा ग्रंथ है हमारे पास, पाणिनि शिक्षा, बृहस्पति शिक्षा, नारद शिक्षा, ये शिक्षा ग्रंथ हैं, और प्रातिशाख्य ग्रंथ भी इसमें आते हैं। दिस इज फोनेटिक्स, एंशिएंट इंडियन फोनेटिक्स, शिक्षा। निरुक्त इज सिमेंटिक्स एंड व्याकरण इज मॉर्फोलॉजी। आजकल जो लिंग्विस्टिक्स, शिक्षा का क्या बोले, एंशिएंट इंडियन फोनेटिक्स, फोनेटिक्स ध्वनि विज्ञान, व्याकरण है पद विज्ञान, मॉर्फोलॉजी, निरुक्त है सिमेंटिक्स अर्थ विज्ञान, छंद है प्रोसुडी, कैसे कौन कौन से छंद, जो हर मंत्र होता है ना वेद का, हर मंत्र का एक ऋषि होता है, एक देवता होता है और एक छंद होता है। ऋषि तो जो जिसने दर्शन किया उस मंत्र का, वो मैंने शुरू में बताया मंत्र दृष्टा ऋषि होते हैं, तो कोई कोई मंत्र किसी किसी ऋषि ने देखा। जब भी आप वेद निकालेंगे, अगली बार मैं लेके आऊंगी, तो हर सूक्त के ऊपर नाम दिया रहता है, अथर्वा ऋषि ही, सविता देवता, अनुष्टुप छंदः, ये 3 चीजें होती हैं, ऋषि, देवता और छंद। अब देवता क्या है, देवता वो नहीं है जिसको आजकल हम देवता समझते हैं, जिसको डीटी कहते हैं,
वेस्टर्नर्स ने ट्रांसलेशन वही कर दिया और वो अर्थ है नहीं। हमारे यहाँ पर लिखा है कि या ते नोच्यते सा देवता, जिस मंत्र में जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है वही उसका देवता। अब उन्होंने मजाक भी बना दिया कि इनके यहाँ तो मंडूक सूक्त है, मंडूक का लिटरल मीनिंग है मेंढक, तो वो मेंढक का सूक्त बना दिया इन लोगों ने, ये इनके वेदों में लिखा हुआ। अगर लिटरल मीनिंग करेंगे, जिनको बैकग्राउंड नहीं पता तो यही करेंगे, लेकिन वहां पर उस देवता का अर्थ है विषय। और मंडूक देने का अभिप्राय क्या है, वहां पर रेसिटेशन सिखाया जा रहा है। उस मंत्र में ये बताया है कि वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं। तो अगर आपको बचपन में जिन लोगों ने पहाड़े पढ़े हैं याद करके पढ़े आपने, हाँ पंद्रह एकम पंद्रह पंद्रह एक बोलता था टीचर, फिर सारी क्लास बोलती थी। तो उसी तरह मेंढक भी क्या करते हैं, एक टर्राता है तो सारे टर्राने करते हैं। तो वहाँ उपमा दी गई है मंडूक से कि उच्चारण करने के लिए उसी प्रकार से एक के बाद एक सब लोग ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, ये मंडूक सूक्त है वहाँ। लेकिन अगर खाली लिटरल सेंस लेंगे तो महिष का अर्थ कर दिया भैंसा। अब महिष का अर्थ स्वयं यास्क बता रहा है कि महिष का अर्थ है महान, तो अब आप यास्क को मानेंगे या कि वहाँ विटने या ग्रिफित को मानेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं खुद अपना अनुभव बताती हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने के लिए फिर से वेद इस तरह पढ़ रही हूँ। मैंने MMA वेद क्यों नहीं लिया, बचपन से वैदिक परिवार में मेरा जन्म हुआ, 100-200-400 मंत्र जो हवन संध्या वो सब याद भी करा दिए गए। लेकिन एमए में जब ऑप्शन लेने की बात आती है तो जो वेद में पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में वो क्या पढ़ाया जाता है, सायण ने इस शब्द का ये अर्थ किया, विटने ने ये किया, मैक्स मुलर ने, मतलब सिर्फ 4-5 लोगों के नाम और उसने इसका ये अर्थ किया। वो तो कोई इंटरेस्ट ही, ये वेद है तो मतलब मैंने वेद नहीं लिया। उस समय एक नया विषय आया था कॉलेज में भाषा विज्ञान, उसकी टीचर बहुत अच्छी थी तो हमने भाषा विज्ञान ले लिया। लेकिन वेद को पढ़ाने के लिए ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप कौन सा भाष्य पढ़ाएंगे, जो प्रेस्क्राइब कर दिया वही पढ़ाना है। तो उसमें ना तो लोगों को कोई इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट आएगा भी तो वो ऐसे गलत सलत अर्थ पढ़ेंगे, महिष का अर्थ भैंसा, मंडूक का अर्थ मेंढक। तो वेद में क्या आपकी रुचि जागेगी, श्रद्धा तो जो थी वो भी क्या हो जाएगी खत्म, अश्लील अर्थ भी किए गए हैं बहुत। तो इसलिए जब तक वेद को वेद की सहायता से ना पढ़ा जाए, वेद को वेदांगों के सहायता से पढ़ा जाए। अब जो बात यास्क कह रहे हैं कि बीइंग इन 8th century BC ही इज द क्लोजेस्ट एंड द फर्स्ट इंटरप्रेटर, सायण और यास्क में भी अगर विरोध होगा तो आप किसको मानेंगे, सायण 14th AD में है और यास्क 800 BC में है, सो हु इज क्लोजर टू द वेद, यास्क। तो सबसे अधिक अच्छी बात है कि अर्थ करने के लिए जहां तक संभव हो आप निरुक्त का सहारा लीजिए या ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मणों में भी बहुत निर्वचन दिए गए हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट में भी आपको एटिमोलॉजीज के भंडार मिलते हैं। निरुक्त का बिगिनिंग कहां पर है, ब्राह्मण टेक्स्ट में ही, लेकिन ब्राह्मण टेक्स्ट को भी लोगों ने केवल रिचुअल टेक्स्ट बनाकर छोड़ दिया, उसमें स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म भी है, उसको नहीं पढ़ते पढ़ाते। So, ma'am, to fully understand the Vedas, we first we have to go through all these Vedas. You don't have to go through all these because at the level that you are going to read Vedas, now you can select the commentator or choose the commentator who has used these as tools and not the one who has done it only with the help of dictionary, jo usne bana di bottling dictionary. Ek dictionary Germany mein bani bottling. जो वो वॉट योर बुक बनी, तो अब उसको देख के आप मीनिंग करेंगे या यास्क को देखकर, बस इतना आपको देखना। आप ये सब नहीं पढ़ेंगे लेकिन बीच बीच में मैं आपको बताऊंगी कि वैदिक लैंग्वेज को समझने के लिए यास्क कितना हेल्पफुल है। लोग यास्क को भी गालियां देते हैं, पाणिनी को भी देते हैं, देने वाले तो संस्कृत वाले भी देते हैं कि पाणिनी ने संस्कृत को बिल्कुल कन्फाइन कर दिया, 5000 साल से संस्कृत एक कैदी की तरह है जबकि लैंग्वेज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो दोनों तरह के दृष्टिकोण होते हैं, लेकिन अब आपको पॉजिटिव साइड लेना है कि नेगेटिव साइड लेना है ये आपको खुद देखना। मगर हमारी ट्रेडिशन में ये जो है 6 वेद, एक कल्पना की गई है कि वेद एक पुरुष है
और श्लोक मिलता है उसमें कि कौन जो है किसका अंग है। वो कहते हैं शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, ये भी मिल जाएगा नेट में अभी आपको, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। सबसे पहले नासिका गिना दी, नाक, क्योंकि मुझे नहीं पता और समाज में क्या होता है, पंजाबी कल्चर में आपको पता होगा पहले देखते हैं नाक बड़ी ऊंची है उस परिवार की, ये मुहावरे है। तो नाक का मतलब इज्जत, तो शिक्षा वेद की क्या है, नासिका है, सबसे पहले नाक देखी गई। मुखम व्याकरणम स्मृतम, शिक्षा ग्राम, इसको मिटा दीजिए, शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण तो उसका मुख ही है, बिना व्याकरण के वेदार्थ कैसे करेंगे। छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद तो उसके दो पैर हैं जिन पर वो खड़ा हुआ है। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, तो घ्राण है, नासिका है, मुख वेद पुरुष का व्याकरण है, और छंद वेद पुरुष के दोनों पैर हैं, दोनों हाथ कौन है, कल्प, कल्प सूत्र जो है वो वेद के दोनों हाथ हैं। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, ज्योतिष का जो शास्त्र है वो वेद की आंख है, और निरुक्त वेद का श्रोत्र है, कान है। तो छहो अंग है और वेद क्या है, वेद अंगी है, वेद एक पुरुष है और ये सब उसके अंग है, हर एक अंग का अपना अपना महत्व है। कल्प में क्या है, कल्प अभी बताती हूँ, चार प्रकार का कल्प सूत्र कहते हैं उसको, उसी में आपका धर्मशास्त्र आएगा। ये पाणिनी शिक्षा, पाणिनी, पाणिनी के नाम से एक शिक्षा प्रसिद्ध है, शिक्षा ग्रंथ, 21 शिक्षाएं हैं। मिटा दी, लिख लिया सबने, मिटा दे, अभी रुक जाएगी। जी, निरुक्तम श्रोत्र उच्यते, अब इसको मिटा दीजिए, कल्प के बारे में बताते हैं। ये जो है मैं, मेरे इसमें अभी बहुत कुछ भूल हैं, क्योंकि ये तैयार किया था एक फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, JNU के सामने। तो उनमें जो प्रोबेशनर्स आते हैं IFS के, उनके लिए उन्होंने 21 डेज का एक इंडियन हेरिटेज नाम से शुरू किया। तो हम लोगों को लेक्चर्स के लिए तो वेद, उपनिषद, न्याय और वैशेषिक, तो वहाँ तो उन लोगों ने, मतलब वेद के बारे में आप में तो संस्कृत के लोग हैं, वो जो लोग रुचि रखते हैं, IFS प्रोबेशनर्स को जब वो फॉरेन में पोस्टिंग होती है तो लोग पूछते हैं वेद क्या है, उपनिषद क्या है, तो उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना है, इसलिए उनके लिए हम लोगों ने ये कोर्स तैयार किया। कल्प सूत्र जो हमारी सूत्र प्रणाली है वो यहीं से शुरू हुई है, जो सूत्र लिखने का तरीका है वो यहाँ कल्प सूत्र से शुरू हुआ।
ये वेद में कल्प सूत्र एक अंतिम वो है, और जिनको इंटरेस्ट है पूरी एक थीसिस है इंडिया ऑफ वैदिक कल्प सूत्रास, डॉक्टर राम गोपाल, वेरी वेल रिटन थीसिस इंडिया ऑफ वैदिक कल्प सूत्रास। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला है श्रौत सूत्र, श्रौत जो है वो श्रुति से बना है, तो श्रुति में यानी वेद में जो यज्ञ करने का तरीका बताया गया है वो श्रौत सूत्र कहलाते हैं। उसके बाद गृह्य सूत्र, गृह्य सूत्र हैं जिनमें फैमिलियल रिचुअल्स, परिवार में क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में गृह्य सूत्र है। फिर है शुल्व सूत्र, इनमें पूरा रेखा गणित और ज्यामिति, यज्ञ की वेदी को नापने का तरीका, कितनी ईंटें इधर लगानी है, कितनी इधर लगानी है, कभी सुपर्ण का आकार बनाना है, सुपर्ण चिति, श्येन चिति, अलग अलग आकृति की वेदियां बनती थी, तो ये एक प्रकार से रेखा गणित और ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसे बोलते हैं, वो सारा इसमें। और अंतिम है धर्म सूत्र, दीज आर दी लॉ बुक्स, एंशियंट इंडियन लॉ बुक्स, धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र, याज्ञवल्क्य धर्म सूत्र, इनमें आपका जो लीगल सारा मटेरियल है, मोस्ट एंशियंट लीगल सारा ज्यूरिसप्रूडेंट, गिनती नहीं है मेरा तो उसमें गति भी नहीं है, लेकिन आपको ये काणे के धर्मशास्त्र का इतिहास में जितना मैटर मिलेगा वो सब इसी से लिया गया। सो दीज आर दी लीगल कोड बुक्स, दीज आर दी ज्योमेट्रिकल एंड वो क्या रेखा गणित जो होता है उस सबका गण, ये फैमिली के बारे में जो है फैमिलियल रिचुअल्स, परिवार में किस पर्व पर क्या करना है, पत्नी कौन सी आहुति दे सकती है, ये सब शादी कैसे होती है, वो सब गृह सूत्र में, संस्कार जो है वो गृह सूत्र में आते हैं। वो कर्म कांड ही तो है ये सारा, ये कल्प, कल्प का मतलब ही है कल्पना, कि जब हम कोई चीज करते हैं तो उसका फैलाव करते, विस्तार करना, सो एक्सपेंशन। अभी तक तो वेद में ज्ञान की बातें हो रही थी, अब ये सारा एप्लीकेशन है, ये अप्लाइड साइड ऑफ वेदा है। तो ये इसके चार फील्ड्स हैं, ये तो है धार्मिक जो एक सेक्रेड साइड है, कि वेद में सोम याग बताया है, अश्वमेध याग है, पुत्रेष्टि याग है, ये फैमिली में कौन से लॉज चलेंगे, कैसे कैसे संस्कार होंगे, ये यज्ञ की वेदियों के बारे में, वहाँ अपनी मर्जी से नहीं आप बना सकते जैसा चाहे, और इसमें समाज में दंड कैसे दिया जाएगा, किसको अधिकार है क्या करने का, किसका क्या कर्तव्य है। अब जो मनुस्मृति है वो धर्मशास्त्र का ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य स्मृति है धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। तो यहाँ आकर वैदिक वाङ्मय समाप्त होता है, संहिता से लेकर सूत्र तक। संहिता में विस्तार था, सूत्र में मतलब छोटे छोटे वाक्य भी पूरे नहीं होते सूत्र में, ब्रेविटी। शास्त्र और धर्म सूत्र एक ही बात है क्या? हाँ, धर्म सूत्र से धर्म शास्त्र का उद्भव है। जैसे सूत्र तो हो गए जैसे दर्शन, वैशेषिक दर्शन शास्त्र और वैशेषिक सूत्र, तो ये ओरिजिन हो गया, वो उसकी व्याख्या हो गई। धर्म शास्त्र इसके बाद जितने ग्रंथ लिखे गए वो सब धर्म शास्त्र है, सूत्र जो है वो फॉर्मूला है छोटे छोटे। अब प्रश्न ही प्रश्न पूछिए, जो मुझे कहना था आज वो इतना ही है, अब आप प्रश्न पूछिए। तो आपने वेद की हिस्ट्री बताई, इतिहास बताया, उसमें ये कि अपौरुषेय कहीं से प्रकाशित हुए, फिर आप आगे 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 चलते जा रहे हैं, जहाँ आप कल्प सूत्र और वेदांग पढ़ रहे हैं, तो ये रिटर्न लिखे हुए किसी व्यक्ति की वो व्याख्या है या फिर वेद का अंग कैसे मानेंगे? किसको? जैसे गृह सूत्र है, विवाह के बारे में कुछ पद्धति बताई, अब वो तो वेद के सूत्र तो अपौरुषेय काम कर रहा है, वेद के सूत्र तो अपौरुषेय है, हम माने ना माने दी सूत्रा जा रेविडेंट, लेकिन जब गृह सूत्र के विषय में ये अपौरुषेय नहीं, नहीं ना, तो कोई व्यक्ति बता रहा है, तो व्यक्तियों के तो नाम भी दे रही हूँ मैं,
ये गौतम ने लिखा, मनु ने लिखा या ज्वलके ने लिखा, तो सही भी हो सकते हैं, गलत भी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन हर युग में कोई ना कोई तो लिखा। आज भी संविधान किसी ने बनाया है ना, ये हमारा उस युग का संविधान है, तो हम किसी रिलायबल आदमी को ही तो, रिस्पॉन्सिबल आदमी को ही तो सौंपते हैं। हर किसी ने जो लिखा वो धर्म सूत्र नहीं है, उस समय के समाज में जो स्वीकृत आप्त व्यक्ति था वही माना जाए। स्मृतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन मनु और याज्ञवल्क्य, फिर प्रश्न ये उठता कि वेद का अंग क्यों माना? ये वेद का अंग तो कल्प है, वेद का अंग इसलिए माना कि वेद में यज्ञ होना है, यज्ञ की विधियां कहाँ बताई जाएंगी, अभी तक तो कहीं बताई नहीं थी, इसलिए उसको वेद का अंग माना। वेद के आधार पर जो नियम बनेंगे समाज में लागू होंगे वो इसमें है, इसलिए ये वेद का अंग। खाली वेद मंत्र पढ़ने के लिए तो नहीं है ना, वैदिक ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना है। वेद में लिखा है अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः, कि पुत्र को पिता के अनुसार चलना चाहिए, माता के साथ बिल्कुल एक मन होना चाहिए, लिख दिया। अब अगर वो नहीं चलेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा होगा कि अगर पुत्र पिता के साथ ठीक व्यवहार नहीं करेगा तो ये दंड दोगे, माता के साथ नहीं करेगा तो ये दंड दोगे, ये सब इसमें कानून, इसमें दंड व्यवस्था जिसको कहते हैं। श्रुति में क्या है? श्रौत सूत्रों में जो वैदिक याग हैं, वैदिक याग, सोम याग इत्यादि, वो मतलब हमारे घरेलू लाइफ से संबंधित नहीं, वो धार्मिक यज्ञ है। वैदिक कल्चर ऑफ अ सर्टेन पीरियड, वैदिक कल्चर इज सो वास्ट। आपने अभी मैंने आपको वेदों का पीरियड तो बताया ही नहीं, क्योंकि वो बताया जा ही नहीं सकता। 10,000 साल ईस्वी पूर्व से लेके 2500 ईस्वी पूर्व तक ले आते हैं, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट वो है, ये तो बहुत लेटर पीरियड है, तो पूरी कल्चर एक नहीं हो सकती, दिस इज अ डिफरेंट कल्चर। एक पूरी किताब है यास्ककालीन भारतवर्ष, क्योंकि जो कुछ यास्क अपने बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं, जो किताब में है उसको पढ़कर हम इमेजिन करते हैं, उसको हम एक तरह से प्रिज्यूम करते हैं। तो वैदिक कल्प सूत्रास का पीरियड बहुत बाद का है। ईश्वर और देवता में क्या डिफरेंस है? अगले वीक से मैं ऊपर क्लास करूँगा, से अब इसको चेक करके बैठे, मैं थोड़ा पीछे को भी वेट डाला हुआ है ना, हाँ ये ज़्यादा लगी तो नहीं, नहीं बैठ गया, I'm okay, बचाओ okay, वैसे ही इतने दिन के इसकी कभी ईश्वर और देवता, हाँ प्रश्न क्या था? ईश्वर और देवता तो एक हमें बोला था जो देता है अनकंडीशनली, देने वाला बिठाइए इसको, फिर चलते हैं न्यास के पास, वही बताएंगे कि देव क्या। इसके बाद दूसरा प्रश्न मेरे लिए है कि यदि ये वेदांग है और ये किसी पुरुष ने लिखे है, चाहे वो उस समय के बहुत प्रतिष्ठित वेद थे, तो आज के युग में फिर हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, हम माने क्यों? इसकी मानने के लिए तो कोई बाध्यता नहीं, मानने की कोई बाध्यता नहीं, पढ़ाने की भी कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपकी रुचि है, आप जानना चाहते हैं कि उस युग में क्या था, तो पढ़िए, कोई बाध्यता नहीं। हमारे यहाँ तो जिस समय मैं बता दिया कि वेद के बारे में इतने विवाद हैं और सबको स्वतंत्रता थी विवाद करने की, तो ये ज्ञान है, ज्ञान काल सापेक्ष होता है, वेद जो है वो काल सापेक्ष नहीं है, ठीक है ना, वो तो निरपेक्ष ज्ञान है, लेकिन बाकी सारा पुरुष सापेक्ष है, काल सापेक्ष है, ठीक है। तो ये जो कल्प सूत्र का ज्ञान है या वेद के बाद जो ब्राह्मण से शुरू हुआ, वो सारा पौरुषेय ज्ञान है, और नैयायिक तो वेद को भी पौरुषेय मान रहे थे, बस अंतर ये है कि वो मनुष्य ने नहीं रचा, ईश्वर ने रचा। अब आपका प्रश्न है ईश्वर, तो ईश्वर तो वो है जो मैं वेद के आधार पर बताऊंगी,
वेद में ईश्वर कौन है? सर्वज्ञ है। हालांकि वो निर्गुण और निराकार है, लेकिन कुछ गुण उसमें हैं। वो कौन कौन से हैं? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। नहीं, यास्क नहीं लिखते। ये मंत्रों में, मतलब मैं आपको वेद के मंत्रों से ही प्रमाण दे सकती हूँ, सर्वव्यापक है। ईश शब्द ही बना किससे है? ईश धातु, ये धातु का निशान होता है, वर्ब का। ईष्टे इति ईश्वरः, ईष्टे ईष्टे स ईश्वरः। जो स्वामी होता है वो ईश्वर है। किसका स्वामी? वो जगत का स्वामी है, कर्म फल का स्वामी है और ज्ञान का स्वामी है, इसलिए वो ईश्वर है। नहीं नहीं, ब्रह्म तो बिल्कुल और भी ऊपर है, वो तो जगत का रचयिता करता, वो ब्रह्म तो बिल्कुल एक अंतिम तत्व है। ईश्वर भी वहां है, लेकिन ईश्वर इन्हीं रूपों में आ जाएगा। ब्रह्म जो इन सब से ऊपर है, इनका बॉस, परम सत्ता, परम सत्ता, अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्म और ईश्वर में यही अंतर है कि ईश्वर में तो हम ये सारे विशेषण जोड़ रहे हैं कि वो सृष्टि करता है, वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म जो है वो ज्ञान ही है, ब्रह्मन है एक्चुअली, ब्रह्मन सच्चिदानंद। सारे उसमें नेगेटिव ही नेगेटिव। सिर्फ ये एक पॉजिटिव है, बाकी सब जितने नेगेटिव लग, मांडुक्य उपनिषद उठा के देख लो, उसमें सारे नेगेटिव लगाए। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ब्रह्मा जी को ईश्वर, ब्रह्मा तो बहुत पीछे आ गया, 15 शताब्दी नीचे आ गया, ऊपर से नीचे गिर गए। ब्रह्मा ये है और ब्रह्मा वो है जिनको आजकल हम समझते हैं, ब्रह्मा जी का मंदिर जो है, वो ब्रह्मा जो है वो तो वो है, इनका शरीर है, साकार। तो मैम हम किसकी पूजा करते हैं? ये आप पर है, आप किसकी करें, लेकिन उपनिषद तो कहता है, मैं वो बता सकती हूँ कि उपनिषद तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। आपने पढ़ा, 5 बार बोला के उपनिषद में, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति। जिसको आंख से नहीं देख सकते, जिसके द्वारा आंखें देखती हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। यन मनसा न मनुते येन अहुर् मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं। 5 बार बोला ना, यद वाचा न, क्या बोला था, यद वाचा न अभ्युद्यते येन वाचा वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते। तो जिसके द्वारा वाणी बोली जाती है, वाणी उसको नहीं बोल सकती, उसके द्वारा वाणी बोलती है, तो उसको ब्रह्म जानो। जिसके द्वारा वाणी बोलती है, जिसके द्वारा आँख देखती है, जिसके द्वारा कान सुनता है, जिसके द्वारा मन मनन करता है, वो ब्रह्म। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको जानो। नेदम, इसको मत मानो, यदिदम उपासते, जिसकी लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है, वो क्या है? वो ईश्वर है। जिसकी हम उपासना करते हैं वो ईश्वर है, लेकिन ब्रह्म तो वो है जिसका कोई वर्णन नहीं किया। उपनिषदों में बार बार कहते हैं नेति नेति, न इति न इति। ब्रह्म क्या है ये नहीं बताया जा सकता, बस यही बताया जा सकता ब्रह्म क्या नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर भी कुछ है, वही ब्रह्म। पूरा मांडुक्य में 19 बार न लगाया है नेगेटिव, तो वो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म की तो बात ही नहीं करनी, वो कर नहीं सकते। वाणी जिसके बारे में बोल ही नहीं सकते, वो ब्रह्म। और जिसके कारण वाणी बोल रही है वो ब्रह्म। ठीक,
शब्द जो है इसके के ऊपर ही लगा, लेकिन जब हमने इसको अलग किया तो मैं यजु लिखा, या तो ये यजुर होना चाहिए या यजुष होना चाहिए। वेरी गुड। तो मूल में क्या है? मूल में यजुष, यजुष है ना, मूल में जी बिल्कुल यजुष, यजुष मूल ये है। हाँ, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि अभी ये लोग सब संस्कृत नहीं जानते हैं इसलिए, और मेरा उद्देश्य यहाँ व्याकरण पढ़ाना है भी नहीं इसलिए, लेकिन मूल शब्द यजुष। अब दूसरे अवतार जो बताए जाते हैं, इनके अवतार कृष्ण राम और इस अवतार, वो पुराणों में बताए जाते हैं, तो पौराणिक परंपरा तो बहुत बहुत बेटर है। वो तो ठीक है, ईश्वर के अवतार बताएंगे, ईश्वर ब्रह्म का तो मैंने बता दिया ना, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता बस वो ब्रह्म है। ब्रह्म का अवतार का तो ईश्वर के और भी है, सर्वज्ञ ब्रह्म भी, ब्रह्म के ऊपर जब हमने क्या डाल दिया, मान लो सूरज चमक रहा है, सूरज को तो हम ढक नहीं सकते, लेकिन हमने अपनी आंख के ऊपर एक काला वो चढ़ा दिया तो हमें सूरज कैसा दिख रहा है, काला। तो जो हम ब्रह्म को ईश्वर समझ रहे हैं वो हमने अपनी आंख पर एक आवरण लगा दिया, जैसे ही वो आवरण हटेगा सूरज तो जैसा था वैसा। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वेद का मंत्र कह रहा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं भूषण अपावरणं, कि एक सुनहरे उससे तत्व ढका हुआ है, सत्य ढका हुआ है, उसको खोल दो, ज्ञान ये है। अंधक बार बार हम कहते हैं तो तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो वो जो तमस है वो अविद्या का आवरण है, जो हमारे बुद्धि और मन पर पड़ा हुआ, वहां जो है वो वैसा ही है, हमें नहीं दिख रहा, क्योंकि हम नीला चश्मा लगाएंगे तो नीला दिखेगा, लाल लगाएंगे तो लाल दिखेगा, कोई उस कोने से खड़ा होके देख रहा है, कोई उस किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है, लेकिन उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आ रहा। तो हम ये बोल रहे हैं कि तो ये इसका मतलब तो हमें पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वी शुड नॉट बिलीव इन लाइक दिस। नो नो, दैट इज नॉट फॉर एनीबॉडी टू से कि नहीं करनी चाहिए पूजा। अभी वो भी बताऊंगी, जो चार वेद माने गए हैं, ऋग्वेद ज्ञान का वेद है, यजुर्वेद कर्म का वेद है, सामवेद उपासना का वेद है, और अथर्ववेद विज्ञान का वेद है। ऐसा नहीं कि ऋग्वेद में कर्म की बात ही नहीं है, लेकिन प्रधानता वहां ज्ञान की है, यजुर्वेद में प्रधानता कर्म की है, सामवेद में प्रधानता उपासना की है, और अथर्ववेद में प्रधानता विज्ञान की है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि इन चारों में से ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान में आपकी किधर रुचि है, आपकी अभिवृत्ति क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन जो यहाँ है मैं बस वही बताऊंगी, वेद में जो पूजा पद्धति है वहां पर यज्ञ ही एकमात्र पूजा पद्धति है, और वो भी वेदों में संहिताओं में तो बिल्कुल सिंपल है, ब्राह्मण ग्रंथों में आके वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, फिर उपनिषदों में आकर तो उसका ही खंडन करने लगे। गीता में आप देखिए, गीता में यज्ञों के बारे में निषेध लिखा हुआ है, वेद को वेदवाद परा कह दिया, क्योंकि उस युग तक आते आते वेद का केवल कर्म कांड रह गया था समाज में, लेकिन वेद का जो दूसरा पक्ष है, जो ज्ञान पक्ष है, और खासकर क्योंकि जो देखिए जो वेद पढ़ेगा, आप वेद पढ़ेंगे, हो सकता है कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट पढ़े वो उसमें इतिहास खोजे, सामान्य तौर पर हम लोग वेद में इतिहास नहीं मानते, इतिहास मानेंगे तो वो नित्य और अपौरुषेय नहीं रहे, उससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। अगर उसमें अयोध्या नाम आया है तो वो अयोध्या नगरी का नाम नहीं है, हम तो उसको डिराइव करेंगे अयोध्या को, जहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए वो अयोध्या है, और शरीर को कहा है अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, ये देवताओं की नगरी है अयोध्या। कौन से देवता इसमें बसते हैं? जो प्राण आदि पंच वायु हैं, जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, वही देवता हैं। तो अब अयोध्या शब्द का नगरी लोग लगाते हैं, वहां पर वृषभ शब्द आता है बार बार, वृषभ, अब वो उसको ऋषभ से जोड़ देते हैं कि वहां जैनाचार्य ऋषभ का नाम है। तो वेद में इतिहास नहीं है, लेकिन अब इतिहास खोजने वाला इतिहास ही खोजेगा, क्योंकि अब हर आदमी, तो मेरी दृष्टि, क्योंकि मैं दर्शन की विद्यार्थी हूँ, मैं जो आपको बता पाऊंगी, मैंने शुरू में अनंता वही वेदा इसीलिए बताया कि सारा कुछ वेद के बारे में मैं भी नहीं बता, कोई भी नहीं जानता, मैं तो बहुत ही साधारण एमए में भी मैंने वेद उस तरह नहीं पढ़ा ऑप्शन की तरह, तो जो कुछ मैंने जाना समझा उसके दर्शन के बारे में,
और दर्शन के बारे में कोई विवाद नहीं। अच्छा है कि मैंने वेद की जगह दर्शन ले लिया, क्योंकि दर्शन में कभी विवाद होता ही नहीं है। हर दृष्टि सत्य है और जिस दृष्टि को आप मानना चाहें आप स्वतंत्र हैं। तो इसलिए दर्शन इज इनहेरेंट, इट इज ऑलवेज लाइक दैट, इसलिए दिस इज टोटली सेक्युलर। ईश्वर के और क्या है? एक आपने तीन लिखे थे जो ये। हाँ, बहुत सारे हैं, वो मैं बाद में ईश्वर, लेकिन अभी जो देव के बारे में बताना चाह रही थी, मीरा जी आ गई हैं, टाइम क्या उनका 5 मिनट। दान देवो दीपनात्वा द्योतनात्वा, देव कौन होता है? जो देता है वो देवता है। दीपनाद्वा, जो प्रकाशित होता है वो देवता है। द्योतनात्वा, जो प्रकाशित करता है वो देवता है। तो देने वाला देवता है, प्रदीप्त होने वाला, प्रकाशित होने वाला देवता है, द्योतित करने वाला, प्रकाशित करने वाला, इल्यूमिनेट करने वाला। एक तो सेल्फ इल्यूमिनेशन हो गया और एक दूसरी चीजों को प्रकाशित करना। दीपक क्या करता है? दीपक खुद भी प्रकाशित होता है और आसपास भी प्रकाशित करता है। सूर्य या अग्नि क्या करते हैं? स्वयं भी प्रकाशित होते हैं, जगत को भी प्रकाशित करते हैं। अग्नि कुछ देता है कि नहीं? क्या देता है? प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है, इसलिए वो देव है। वायु देवता है, क्यों? प्राण देती है, वायु प्राण देती है। इसी प्रकार जितने भी वेद में देवता हैं वो इन्हीं व्युत्पत्तियों के आधार पर। तो देवता जो है बेसिकली प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से भी जुड़े हैं और मन की शक्तियां भी हैं। शिव संकल्प है, मन है, प्राण है, शरीर है, शरीर भी देवता है। प्राकृतिक शक्तियां भी हैं, मानसिक शक्तियां भी हैं, वैश्विक शक्तियां भी हैं, जो दृष्ट है वो भी हैं, जो अदृष्ट है वो भी, अमूर्त चीजें भी। वाणी भी देवता है, वाक देवता है, ज्ञान देवता है, आप वर्षा देवता है, पर्जन्य देवता है, आदित्य देवता है, पूरा। लेकिन लिख दिया मैकडोनल्ड ने वैदिक देव शास्त्र, वैदिक माइथोलॉजी। अब उन्होंने तो अपने ढंग से व्याख्या की, वहां सिर्फ गॉड ही बोलते हैं। एग्जैक्टली, गॉड ऑलमाइटी, गॉड और एक कैपिटल जी से गॉड, और हमारे उनको तो उन्होंने कैपिटल नहीं, गॉड्स बना दिया। लेकिन हमारे यहाँ यास्क क्या कह रहे हैं आप उसको दे, फिर वो अग्नि की कितनी व्याख्याएं करेंगे, 5 तरह से अग्नि की करेंगे। अब अश्वमेध शब्द आ गया बृहदारण्यक में, उन्होंने कर दिया कि जहाँ घोड़ा बलि दिया जाता, अश्व का अर्थ यास्क करते हैं अश्नुते अध्वानम इति अश्व, जो रास्ते पर चलता है दौड़ता है वो घोड़ा होता है, अश्व होता। घोड़ा तो अब हम कहने लग गए, तो अश्नुते अध्वानम इति अश्व, तो जो गतिशील है वो अश्व है। काल सबसे बड़ा अश्व है, और ये अथर्वेद में 2 सूक्त मिलते हैं, काल सूक्त। उसमें स्वयं अथर्वेद के मंत्र में लिखा है, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मिः, काल रूपी अश्व बह रहा है। तो अब अश्व काल को स्वयं वेद कह रहा है, तो अब वो घोड़ा है या काल है या कि राष्ट्र। शतपथ ब्राह्मण कह रहा है राष्ट्रम व अश्व, कि राष्ट्र ही अश्व है। अब मेध धातु का एक अर्थ होता है स्पर्श करना, और एक अर्थ होता है उसका कोई जो बलि देना, तो वो कह रहे हैं उसका आलभन करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए, और उन्होंने लिख दिया वहां घोड़े का बलि होना चाहिए। वो बृहदारण्यक तो शतपथ का ही वो है ना, मैंने बताया घोड़े के, बिल्कुल। तो अश्व जो है वो सारा संसार गतिशील है, संसार नाम क्यों पड़ा? संसरतीति संसार, जगत क्यों है? गच्छतीति जगत, तो ये सब अश्व हैं। तो यही बात है कि वेद की भाषा लचीली है, इलास्टिसिटी है उसमें, आप उसको खींच कर कभी इधर से अर्थ कर सकते हैं, कभी इधर से। बहुत से शब्दों के यास्क ने अर्थ कर दिए हैं, जिनके नहीं भी किए उन्होंने क्ल्यू बता दिया। श्री अरबिंदो का नाम आपने सुना, ए हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन, वो यास्क के निरुक्त को ही प्रमाण मानते हैं, और स्वामी दयानंद ने सारे भाष्य शतपथ ब्राह्मण और निरुक्त के आधार पर किए हैं। श्री अरबिंदो ने लिखा कि ही हैज गिवन अ क्ल्यू फॉर वैदिक इंटरप्रिटेशन।
सो दिस इज अपॉन अस कि वेदर वी टेक दीज इंडियनाइज्ड क्लूज और वी गो फॉर द वेस्टर्नर्स इंटरप्रिटेशन दैट आर फार फेचर्ड. वो खींच खींच के अर्थ करते हैं. मुझे लगता है इंट्रोडक्शन के लिए अभी हमने आज किया. फिर जो आपने इसमें देखा होगा सिलेबस में कि हम उस आधार पर अगली बार इंडिविजुअल लेवल पर जो दो तीन चीजें हैं वैदिक व्यू ऑफ बॉडी एंड सेल्फ इस पर बात करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम. हाँ क्वेश्चन है तो पूछिए. इससे रिलेटेड नहीं है. आप कुछ व्याकरण का एक प्रश्न जो दिमाग में चल रहा है रूप संधि के बारे में जहाँ हम उपसर्ग और ए ओ को लेते थे एक शब्द उपयोगी उसमें क्यों नहीं हुई प्रभु संधि वहाँ पर तो वृद्धि संधि हुई क्यों हुई उपसर्ग है और ए हमारा जैसे आपसे विनती है हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बुला के एक वेद का वो दिलवा क्या जिसमें सारे मंत्र हैं ऋग्वेद या अब अगर आपको आपको मूल मात्र चाहिए मूल चाहिए मूल चाहिए मूल मतलब ओनली द वेदिक टेक्स्ट ठीक है और वो ऐसी होगी जिसके बैक में एक इंडेक्स होती है अल्फाबेटिकल तो आपको जो भी मंत्र ढूंढना है आप ढूंढ सकते जी ठीक है अगली बार मंगा दूंगी. अर्थ चाहिए अर्थ के साथ तो फिर आपको हिंदी में अच्छा बुक्स की लिस्ट मैंने दी हुई है इसमें जिनको हिंदी में पढ़ना है अब वो किताब मिलती नहीं है तो फोटो कॉपी करा सकते हैं. अर्थ के साथ तो इंग्लिश में भी मिलते हैं हिंदी में भी बेस्ट तो है कि आप सातवलेकर का हिंदी ले लें लेकिन वो पूरा मिलता नहीं चारों वेदों का कुछ वॉल्यूम मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे हैं सारे मिलते नहीं है आपके पास है तो आप ला सकते हैं मैम आप फोटो सेट करवा लेंगे बहुत वॉल्यूम हो जाएगा. इंग्लिश में जो मिलते हैं 22 वॉल्यूम या 28 वॉल्यूम है पूरे हालांकि वो 2000 या 2200 रुपए में मिल जाते हैं इंग्लिश वाले वो इंग्लिश वाले मैं मंगा सकती हूँ मैम प्लीज मंगवा. हिंदी वाले तो पूरे मिल ही नहीं रहे हैं वो सात वाले कर मैं ले लूंगी. ठीक ठीक है जिसको और चाहिए वो बता दीजिएगा. अब आप 10 मिनट ब्रेक कर लीजिए तो मीरा जी से मैं बात कर लूँगी. मैम ये अच्छा प्रश्न है इंग्लिश वाले किसने लिखे हैं जो इंटरप्रिटेशन किया है वो एक थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे. हाँ इंडियन है. अभी दर्द तो नहीं हो रहा है नहीं तुम ये वाली चेयर लिया करो ये वाली वैसे तो वेद शब्द राम की तरह ले आता हूँ सर अभी चाय मंडे को ले आओ मंडे को ले जाओ आप मंडे आ जाओ मैं लड़की को भेज दूँ आप किसी को भी भेज दो साथ में चेक भी भेज देना जमा भी कर जाएगा दोनों काम हो जाएगा साथ साथ बढ़िया बात ठीक है. हाँ हम भरवा देंगे क्या नाम ही तो भरना फॉर्म तो नाम ही तो भरना है ना साइन वाइन तो नहीं करना वो करवा देंगे अमित जैन लिख चेक लीजिए चेक अपना आप भर लेना.
कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आप बिजी रहते हो साथ में जी सर। जी वो आपका हो गया है, वो कर रहे हैं, वो आते हैं। हाँ आते हैं, सैटरडे को जाते हैं, सैटरडे को नहीं आते, शुक्रवार तक आते हैं। तो आप संस्कृत में टाइपिंग करते हैं? नहीं टाइपिंग जी लोग लता शायद आ सके। कुछ लोगों को ना संस्कृत लैंग्वेज सीखनी है जो फर्स्ट टाइम आए, तो उनके लिए मैं एक घंटे की एक्स्ट्रा क्लास कर दूंगी। प्रीति भी नहीं आ सकती, जो चार संस्कृत टीचर्स हैं क्लास में, तो हम तुम बता देना जिस दिन तुम आ सकते हो, नहीं तो लता से पूछ ली, वो आ जाएगी। लता भी है, उसके सिस्टर भी है, दोनों केंद्रीय विद्यालय से संस्कृत टीचर दिखाएंगे। She is also a teacher in Sanskrit. Thank you.
वो जवाब देंगे उसके बाद एक से दो नहीं तो मैं लता से बात करती हूँ वही कर पाए तो आप खाओ ना जी मैम बिस्किट निकाल दिए इसमें तो कुछ नहीं कुछ नहीं भूल जाते हैं दिमाग स्कूल से आ रहे हो ना स्कूल है उसमें राम खाने में पास इसीलिए तो मैं चाय नहीं पी रही मैम के साथ मैं चाय पीने आई हूँ आप ले लो चाय नहीं है ले लो चलो सब ले आओ मैम ये आप ले लो ये आप आ जाइए मॉम नाश्ते के पास है काजू खा सकती है मैम कुछ नहीं खाएंगे आप ले लीजिए नहीं मैडम मेरा फास्ट आपके फर्स्ट ये तो नहीं आप ले लो सुबह मीठा ही खाते हैं नहीं नमक तो नमक वाला चीन भी है नमक तो नहीं उसके लिए गए थे हम मिली नहीं बट गई हमारी है तो दीजिए
ये भी ऊपर से आई है? नहीं, ये ऊपर से नहीं, नहीं चल रहा है ऊपर। हमारी अब ये क्लास बड़ी और आज वो गिर भी गए ऊपर का राज्य के वो जो क्लासरूम में ना इस साइड बात तो मैंने करी क्योंकि इसमें दिक्कत होती है बैठने में। वही कह रही कुछ लोग नए हैं ना वो घबरा रहे हैं जिन्होंने संस्कृत कभी नहीं पढ़ी रिलेट नहीं कर पा रहे ना बेसिक से नहीं कर पा आज तो आप स्टोरी बनाइएगा अपना करियर इसमें ज्यादा मत जाइएगा नहीं और उसमें ना शब्दों का एक शब्द का अर्थ बता दीजिए तो दिनांक नहीं कम कर रहा था मुझे लगता है अभी आपने बैकग्राउंड बनाया वो नानी ने तो पहले नानी बहुत सीरियस है आपने तो बैकग्राउंड बनाया है ईश और देव का तो उससे टूट जाएगा मुझे लगता है नानी मत करिए सरल वाचक वाला ये तो पढ़ा भी अजय सर जी व्हाट्सएप में वो ऐड कर दीजिए जो मैंने नंबर दिए थे ना मैं वो लिस्ट लानी आज भूल गया हाँ घर पे आज कर चलो भारतीय विद्या कौन सी बना मतलब उसमें आप होटल कर रहे हो ना वहाँ से कार में के यहाँ तक पहुँच क्योंकि हम भी तो वहाँ से आते हैं बाली से आते हैं बाली में कहीं होगा सरल रखिए हम यस मैम तुम दोनों वो तो बिल्कुल ही नहीं बताऊंगी कुछ लोग ऐसे हैं चार पांच लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया वो संस्कृत लैंग्वेज सीखना चाहते हैं
अब किसकी को 2 बजे तक क्लास होती है, वो एक और एक्टिविटी में उसकी भी कॉलेज, तुम दोनों करा सकते हो घंटा, वही जो तुम पढ़ाते हो स्कूल में वही कराते हो। आपको भी करना है, आप भी जो करना चाहे 1 बजे तुम दोनों आ सकते हो। ये दोनों में से केंद्रीय विद्यालय से रिटायर नहीं है, ये भी से कौन सा डीएवी वहाँ पर वो मिलेंगे, एक बजे में पहुँचना है। जो लोग पी जा रहे हैं अभी वो लोग आ रहे हैं, मैं यूज कर सकती हूँ, कोई भी कर ले जो वो पढ़ा रहे For me, it is about learning Sanskrit. It is a Sanskrit very well. थोड़ा बहुत पर बोलने का प्रैक्टिस नहीं है बिल्कुल। पैसे दे रही थी तो मैं बोला वो तो आती है ना मैडम जी क्लास में जमा कर लेगी। हाँ कल करना पड़ेगा। नहीं वही रिसेप्शन है। हाँ आप भी अपना दे देना, दोनों आदमी साथ कर देना, फोटो दे दीजिएगा आप। साइन भी कर दीजिए। आपका तो हो गया। नहीं नहीं इधर कुछ नहीं करना। अभी जैसे हम क्लास में फी लगा देते हैं बस जी। नहीं है इसमें क्लास करना चाहते हैं जिसको भी संस्कृत की एडिशनल क्लास चाहिए 1 बजे आप लोग आ जाइए। ये टीचर है मैडम लता जी और आपका नाम सरोज, इन दोनों मिलके आपको ये लैंग्वेज पढ़ाती रही है, दोनों केंद्र से रिटायर हुई है। और ये लता तो अभी हमारे भारतीय विद्या में क्लास में, तो ये आपको लैंग्वेज 1 से 2 मतलब आपको 1 से 2 एवरी सैटरडे, जिसको भी अटेंड करना है वो कर सकते हैं। 1 बजे से 2 बजे तक वो संस्कृत लैंग्वेज सीख। बल्कि वैसे हम 12:30 से डेट रखे तो ज्यादा सही होगा। अच्छा क्योंकि मैंने तो हमें लंच नहीं मिला। ठीक है मैंने हमें घंटे लंच फिर यहीं आने के बाद ही करते हैं ना, और भी नहीं करते वो एक बार बात कर लो 12:30 से क्योंकि लंच भी करना होगा ना तो बहुत लंबा फिर 2 से 6 फिर है तो दिक्कत हो जाएगी। 12:30 से 12:30 और
लेकिन ठाकुर जी गर्मी हो रही है बहुत। अजय जी थोड़ा ऐसी चला दीजिए, इनको गर्मी लगी है। नमस्कार सर, मैं बात कर रही हूँ। ये ना ऊंची है कुर्सी। एडवांस डिप्लोमा कैनिको इसका नाम है, लेकिन जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं यहाँ पर जिन्होंने पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो उनका एक बेस बनना है। क्योंकि जब हम लोगों ने शुरू किया था तो चूंकि लिटरेचर वाला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, तो लिटरेचर में हमारा सबसे पहला एपिक जो आता है, महाकाव्य आता है, वो रामायण था। तो हमने रामायण से अपना जो सर्टिफिकेट कोर्स था वो रामायण से शुरू किया था। रामायण महाभारत के कुछ पोर्शन, सेलेक्टेड पोर्शन हम लोगों ने वहाँ पर